गुड आफ्टरनून एवरीवन. नाउ मूविंग अहेड टू दिस फाइनल रिवीजन सीरीज, हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस. सो कैलकुलस आपका बेसिकली थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, राइट. सो डिफरेंशियल इक्वेशंस वील सी लेटर ऑन. आज की क्लास में हम लोग पूरा इंटीग्रल कैलकुलस कंप्लीट करेंगे, जहाँ पे इंटीग्रेशन एंड द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे. इंटीग्रेशन में हम लोग दो प्रकार के इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, वन इज डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड द अदर वन इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट. सो आपका सीक्वेंस चलेगा इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड देन फाइनली एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, राइट. नाउ मूविंग अहेड, हम लोग इंटीग्रल्स पहले समझते हैं होता क्या है. इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स होता क्या है, एनी आइडिया अबाउट इंटीग्रल्स? व्हाट आर इंटीग्रल्स? एंटी डेरिवेटिव, कैन वी से इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन में हम एक फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते थे, यहाँ पे हम उन छोटे छोटे पार्ट्स को कलेक्ट करके एक प्रॉपर फंक्शन बनाते हैं. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटीग्रेशन प्रोसेस. सो अगर मैं लिखती हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर मैं लिख रही हूँ एफ ऑफ एक्स ऐसा लिख रही हूँ, ठीक है, तो इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, इंटीग्रल साइन लगाया, इधर से मुझे मिलता है एफ ऑफ एक्स प्लस सी, राइट. दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन प्रोसेस, ठीक है. सो ये जो साइन बनाया ना मैंने, स्पेशल साइन, दिस इज नोन एज माय साइन ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन साइन, राइट. और ये जो एफ ऑफ एक्स है, दिस इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रैंड, जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं. डी एक्स क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमारा एक्स इज द वेरिएबल विथ विच, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे. व्हाट अबाउट कैपिटल एफ ऑफ एक्स? ये एफ ऑफ एक्स क्या है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये कह सकते हैं हम लोग, और वी से इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है. सो इसको क्या बोलते हैं हम, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, और वी ऑल्सो कॉल इट एज इंटीग्रल वैल्यू ऑफ, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स. इसको एक और चीज बोलते हैं हम लोग, द प्रिमिटिव फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्चुअल फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स. सो प्रिमिटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, प्रिमिटिव फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स. और ये साथ में सी क्या चिपकाया मैंने, सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ऑल्सो नोन एज आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट. ये कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है. सो इसकी वजह से इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपके पास एन नंबर ऑफ सोल्यूशन रहते हैं. सो दिस इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये लगाना ना भूलें, जब भी आपके पास इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हो, ये मतलब प्लस सी या प्लस के, जो भी लिखना चाहें आप, ये लगाना ना भूलें, क्योंकि आंसर रॉन्ग हो जाएगा अदरवाइज, राइट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिक्स है आपके इंटीग्रेशन का. नाउ मूविंग अहेड, अब हम लोग कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलाज यहाँ पे याद रखेंगे, जो आपको याद रखने हैं. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट, हम लोग कितनी तरीके से इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, थ्री मेथड्स आर देयर बाय विच वी कैन सॉल्व द इंटीग्रेशन प्रोसेस और इंटीग्रल्स. वन इज सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाईपास, राइट, ऐसे ही चलता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरियस फॉर्मुलाज. पहले तो डायरेक्ट फॉर्मुलाज की बात करते हैं, फिर वील मूव टू सब्सटीट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन एंड अल्टीमेटली बाईपास. सो देयर आर स्पेसिफिक फॉर्मुलाज जो आपको याद रखने हैं. सो डिफरेंशिएशन के जैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन में होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक्स टू द पार एन डी एक्स दिया है, सो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे पार इंक्रीज होती है, डिफरेंशिएशन में रिड्यूस होती थी, यहाँ इंक्रीज होती है, एक्स की पार एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, वहां पे मल्टीप्लाई होता था पार से, यहाँ पे डिवाइड होता है पार से, राइट. नेक्स्ट एक और याद रखेंगे हम, इंटीग्रेशन वन बाय एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी. उसमें क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या था, वन बाय एक्स, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया वन बाय एक्स का लॉग एक्स, मॉड रखना रहेगा हमको यहाँ पे, ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ये बहुत ईजी है, ई टू द पावर एक्स प्लस सी, करेक्ट, सेम ही रहता है इंटीग्रेशन. एंड लास्टली वी हैव इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स डी एक्स, और जब भी ए टू द पावर एक्स आता है तो हमने क्या पढ़ा था, हमारे डिफरेंशिएशन में ए टू द पावर लॉग ए से हम उसको चिपका देते हैं, एक एक्स्ट्रा फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा. सो ए टू द पावर एक्स का आर्न ऑफ राइट साइड, ए टू द पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, ठीक है, क्या शीट पास कर दीजिए कार्नव को. नाउ मूविंग अहेड, हमने ये स्पेसिफिक फॉर्मूलाज, ये तो बहुत फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे ये वाले सारे फॉर्मूलाज. नाउ देयर आर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करते टाइम पे ध्यान रखेंगे. सो सम प्रॉपर्टीज, दीज आर दी बेसिक फॉर्मूलाज, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला ज्यादा याद नहीं करना है आपको बेसिक्स में, सबसे पहले बेसिक्स की बात कर रही हूँ. सो प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है यहाँ पे. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटीग्रेशन ऑफ d
डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स. सो दिस गिव्स यू व्हाट द फंक्शन इटसेल्फ. इंटीग्रेशन भी कर रहे हो और डिफरेंशिएशन भी कर रहे हो तो अल्टीमेटली कुछ नहीं कर रहे हो एंड यू विल गेट द फंक्शन इटसेल्फ एज द आंसर. ठीक है, क्या समझ आया? पहले डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या एफ डैश एक्स आया, एफ डैश एक्स को फिर से इंटीग्रेट कर दिया तो अल्टीमेटली वापस से क्या मिल गया आपको एफ ऑफ एक्स. ठीक है क्या, दिस इज डायरेक्ट. नेक्स्ट, अगर हम लोग किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करके और फिर फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो पता है क्या, इट इज सेम एज कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लो और फिर नॉर्मल फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लो. दिस डज नॉट मैटर आप कैसे कर रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं. सो कॉन्स्टेंट विल कम आउट, कॉन्स्टेंट का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता एंड अल्टीमेटली वी गेट द आंसर. नाउ इफ वी हैव सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, जैसे इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, अगर ऐसा होता है डी एक्स, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इंडिविजुअल फंक्शंस को इंटीग्रेट करो और एड सब्ट्रैक्ट कर दो जो दे रखा है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं चलता है यहाँ पे. ठीक है, सो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डी एक्स, दोनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करो एंड अल्टीमेटली पुट द प्लस माइनस साइन जो भी दे रखा है आपको वो यूज कर लीजिए. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट काम, हम लोग अब स्पेसिफिक मेथड पे चलते हैं तो हम लोग तीन मेथड देखेंगे यहाँ पे. सब ऊपर चलूं, एनीबडी कॉपी हो गया है? ओके, सो हम लोग यहाँ पे थ्री मेथड्स देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन एंड बायपास. सो सब्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफिक पॉइंट्स रहते हैं, हम लोग जैसे एक एक आपको डिराइव करके बता देती हूँ. सो बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सबसे फ्रीक्वेंटली आंसर्ड क्वेश्चन इसमें ये रहता है, ये वाला इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, अगर मुझे ऐसा दे रखा है, वेरी सिंपल वेरी इजी. इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करते हैं हम लोग, कोई भी फंक्शन जो भी जिसमें भी दे रखा है उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. से फॉर एग्जांपल, आई विल सब्स्टिट्यूट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, लेट्स से. ठीक है, सो इधर से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो दोनों साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, ए इंटू डी एक्स प्लस जीरो इक्वल टू डी टी. समझे, इधर से डी एक्स की वैल्यू देखो क्या आई, डी टी बाय ए, करेक्ट. अभी देखो ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसी के अंदर, इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी बाय ए, करेक्ट. यहां से क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी एंड वन बाय ए आपका कांस्टेंट में बाहर आ गया. अब एफ ऑफ टी को नॉर्मली आप इंटीग्रेट कीजिए, से फॉर एग्जांपल आपको मिलता है एफ ऑफ टी अपॉन ए प्लस सी, बस कुछ नहीं करना, टी को वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी बाय ए. अब इसका सार क्या है, मैंने इतना सब कुछ तो समझाया, सार क्या है, अगर कुछ ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली इंटीग्रेट करते हैं और जो एक्स का कोएफिशिएंट है ना उसको डिवाइड कर देते हैं, जो भी आपका इंटीग्रेशन वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. गॉट दिस, समझ आई ये चीज पक्का एवरीवन? नेक्स्ट, एक और इसके अंदर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला कह लो या स्पेशल इंटीग्रल कह लो, कुछ भी कह सकते हो. इंटीग्रेशन, अगर हमको कोई फंक्शन की पावर n दे रखी है पर साथ में f डैश x भी दे रखा है और dx, मतलब ऐसा कुछ दे रखा है, तो इसमें आप f ऑफ x को लेट कर लो t, तो f डैश x dx क्या हो गया, dt, करेक्ट और नॉट? सो यहां से ये t की पावर n जैसा फंक्शन बन गया और इधर से क्या आ जाएगा, f ऑफ x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, करेक्ट और नॉट, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. समझ आई ये बात? सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसा होता है इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन f ऑफ x dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऊपर दे रखा है और नीचे ओरिजिनल फंक्शन दे रखा है और फिर हमको इंटीग्रेट करने बोला है, तो यहाँ पे हम f ऑफ x को अगर t लेट करते हैं तो f डैश x dx क्या हो गया, dt. ठीक है, तो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन डी टी बाई टी, वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ मॉड टी, करेक्ट. सो लॉग ऑफ मॉड टी के हिसाब से लॉग ऑफ मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी, हाँ या ना, चेक कीजिए, करेक्ट. चले आगे, नाउ मूविंग अहेड, ये तो हमारे सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग बेसिकली ये वाले फॉर्मूलाज ही यूज करेंगे, कोई खास फॉर्मूला नहीं है, बेसिक्स आपके डिफरेंशिएशन को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे और थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज करेंगे कि कैसे किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारा इंटीग्रल फाइनाइट फॉर्म में आ जाए और हम उसको कैलकुलेट कर सके. नाउ द नेक्स्ट मेथड विच कम्स हियर इज पार्शियल फ्रैक्शन. अगेन लर्निंग किसी में नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शंस के केस में क्या होता है, हम लोग हमारे इंटीग्रल को इन वेरियस
सम और डिफरेंस ऑफ फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करते हैं और फिर फ्रैक्शंस का इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो जाता है. सो इफ वी हैव सम स्पेसिफिक फॉर्म्स पार्शियल फ्रैक्शन में आपको कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स ध्यान रखना है और उसको कैसे एक्सप्रेस करना है वो याद रखना है. दैट्स इट. अगर इस फॉर्म का है तो ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस करो, इस फॉर्म का है तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करो. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद बाय पार्शियल फ्रैक्शंस. सो इसमें कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स ही होते हैं, पांच तरीके के फॉर्मेट्स रहते हैं जो आपको दे रखे होते हैं क्वेश्चन में. पहला फॉर्मेट होता है वेरी सिंपल वन, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी. सपोज ये दे रखा है तो इसको हम दो फ्रैक्शंस या दो पार्ट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, इसीलिए इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शंस बोला जाता है. एक्स माइनस ए प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस बी. इसके अंदर वही एलसीएम लेंगे, कंपेयर करेंगे तो ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू. इधर से ए और बी की वैल्यू निकालेंगे एंड वी आर डिराइविंग इंटू टू पार्शियल फ्रैक्शंस. और फिर पार्शियल फ्रैक्शंस का इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो जाता है, सिंपली लॉग ऑफ मॉड एक्स रहता है यहाँ पे ज्यादातर, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस उसकी पावर टू थ्री कुछ ना हो तो यहाँ पे डायरेक्ट लॉग ऑफ मॉड एक्स रह जाता है. ठीक है. नेक्स्ट वेराइटी ऑफ फ्रैक्शन जो आपको दे रखा होता है वो होता है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन लेट्स से एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी. मतलब ऊपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और नीचे क्यूबिक एक्सप्रेशन है. तो क्या होगा, पहला तो आपको क्या चेक करना होता है हमेशा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है. इम्प्रॉपर है तो डिवाइड कर लो, फिर प्रॉपर में आ गया उसके बाद हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करते हैं. ठीक है. सो इधर से क्या आया, डिवाइड करके करते हैं हम लोग, ध्यान है ना, रिमाइंडर अपॉन कोश फिर डिवाइजर लिखेंगे. सो इधर से हो जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी. बहुत आसान. ठीक है. ऑब्वियसली नीचे वाला अगर क्यूबिक है तो ऊपर वाला क्वाड्रेटिक हो सकता है क्योंकि लेस देन पावर में ही चलता है. इक्वल टू पार नहीं होनी चाहिए, इक्वल टू और ग्रेटर देन नहीं होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट आ रहा है अगर परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है नीचे. सपोज आपको दे रखा है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर. तो इधर क्या हो जाता है ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर. तो एलसीएम एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मेट है. नेक्स्ट अगर आपको इसमें दो दे रखे हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी. बात खत्म. ठीक है. बेसिक है ये, डायरेक्ट ऐसे ही रहते हैं, हमको यही स्टैंडर्ड फॉर्म्स कंसिडर करने होते हैं. एंड द लास्ट इज व्हेन यू हैव अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन डिनोमिनेटर. सो जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन डिनोमिनेटर होता है, जैसे ऐसा दे रखा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए, एक तो ये हो गया और एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे हम लोग, ए अपॉन एक्स माइनस ए, देखो लीनियर है तो ऊपर कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी और नीचे देखो अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर लीनियर वैल्यू आएगी बी एक्स प्लस सी. ये लीनियर वैल्यू एक डिग्री लेस चलता है. ठीक है. सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. करेक्ट नॉट, समझ आया. ये बेसिक्स हम लोग यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में. अब पता है क्या, पार्शियल फ्रैक्शन जब आप सॉल्व करेंगे तो दो स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स आप जरूर इनकाउंटर करेंगे. ऑल्दो देयर आर मेनी फॉर्मुलास बट हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही स्पेशल इंटीग्रल्स हैं. राइट. सो द फर्स्ट वन इज इफ योर इंटीग्रल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला. स्पेशल इंटीग्रल्स के नाम से हम लोग इसको याद रखते हैं, स्पेशल इंटीग्रल्स. आपके पास दो हैं, पहला है इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब परफेक्ट का स्क्वायर माइनस परफेक्ट का कोई स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर. सो इधर से क्या होता है, फॉर्मूला किसी को याद है, वन बाय टू ए सबके साथ में कॉन्स्टेंट चलता है, लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, करेक्ट, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. नेक्स्ट एक और आपको याद रखना है, कौन सा, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन इसका उल्टा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो इसका उल्टा चलता है ना तो ऑलमोस्ट बाकी चीजें भी उल्टी चलती, कैसे, लॉग ऑफ, आपने ऊपर क्या लिखा था x माइनस ए, अभी क्या लिखोगे a माइनस x, पर उल्टा मैंने बोला, उल्टा बोला इसका मतलब माइनस भी नीचे जाएगा और प्लस ऊपर आ जाएगा. सो a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी. इज दिस करेक्ट, सही है क्या फॉर्मूला, ऐसे याद रहेगा x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस सॉरी x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए. ठीक है. और उसके अंदर a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, वन बाय टू ए दोनों कॉन्स्टेंट रहेंगे, दोनों में सेम रहेंगे.
राइट ये आपको पार्शियल फ्रैक्शन के केस में थोड़ी चीजें याद रखनी है. लास्ट कम्स दी लास्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग द इंटीग्रल्स इज बाय पार्ट्स. बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेथड होता है ये और बहुत आसान भी होता है. इट्स क्वाइट ईजी एज वेल. बड़ा ही सिंपल सा है. एक ही फॉर्मूला रहता है और उसी को यूज करके हम लोग सारा काम करते हैं. ठीक है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होता है. मैंने आपको बोला ना एड सब्ट्रैक्ट होगा तो सिंपली करना कि दोनों को एड सब्ट्रैक्ट करो मतलब दोनों का इंटीग्रल निकालो एड सब्ट्रैक्ट कर दो. पर अगर बायपाथ्स यूज करना है तो यहाँ पे क्या होता है दो फंक्शंस का प्रोडक्ट. इफ योर फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस देन वी ट्रीट वन फंक्शन एज फर्स्ट फंक्शन एंड द अदर फंक्शन एज सेकेंड फंक्शन. राइट सो यहाँ पे पहले एक बार फॉर्मूला लिखते हैं उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं. सो इट इज एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स. ठीक है हम हमेशा जब बायपाथ सॉल्व कर रहे हैं ना एक को फर्स्ट मानो एक को सेकंड मानो उसके रूल्स होते हैं वो हम आगे देखते हैं. पर मान लेते हैं हम एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट माने हैं और जी ऑफ एक्स को सेकंड माने हैं. हमेशा अपने क्वेश्चन में जब आप सॉल्व कर रहे हो तो एक या तो मन में कर लो या रफ में लिख लो कि ये मेरा फर्स्ट है ये मेरा सेकेंड है तो आप भूलोगे नहीं. अब मन में बोलते जाए फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन विल गिव यू योर आंसर. कैसे बोला मैंने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या हो गया जी ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहले तो है डिफरेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन बोला मैंने. देखो समझे. अच्छा जब आप ये वाला इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स का और ये वाला जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो ना कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाना है. ठीक है सो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप स्किप करेंगे और लास्ट में ही कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे. प्लस सी एंड में आएगा जब फाइनल इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम प्लस सी लगाएंगे. इज दिस क्लियर एवरी वन. इसको हम कैसे याद रखते हैं देखो मैं जनरली आपने कर लिया कॉपी. डन. ठीक है इसको मैं एक और तरीके से भी याद कराती हूँ. आपको ध्यान है हमने प्रोडक्ट रूल याद किया था यू इंटू वी से. ध्यान है यू इंटू वी इज यू डैश वी प्लस वी डैश यू. यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ याद रख सकते हैं आप. यू इंटू वी यू फर्स्ट फंक्शन हो गया वी सेकेंड फंक्शन हो गया सीक्वेंस में ही है. डी एक्स कर रहे हैं अगर इंटीग्रेशन यू इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू इंटीग्रेशन वी माइनस इंटीग्रेशन यू डैश इंटू इंटीग्रेशन वी होल डी एक्स. यस और नो ऐसा भी कुछ बोलते हैं. और एक मैं वन और टू से याद रखती हूँ. सो वो होता है इंटीग्रेशन वन इंटू टू. दिस इज गिवन बाय फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन वर्ड्स में याद रखती हूँ मैं ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. समझे. फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंसिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड. अच्छा इधर से एक चीज तो समझ आई कि बार बार इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड करना पड़ेगा तो हमें सेकेंड फंक्शन ऐसा चूज करना है जिसका हमको इंटीग्रेशन आता हो. ठीक है सो इसके लिए ना एक मेथड होता है रूल होता है लर्न मतलब कौन सा आपको फर्स्ट लेना है और कौन सा सेकेंड लेना है प्रायोरिटी. ठीक है इसको हम बोलते हैं आईलेट रूल. इफ यू हैव हर्ड और नॉट आई डोंट नो आई एल ए टी ई I late, I am late for office. ठीक है ऐसा कुछ तो हम लोग पता है क्या यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन के बेसिस पे डिसाइड करना होता है. तो फर्स्ट की प्रायोरिटी रिड्यूस होती जा रही है. बेसिकली लेफ्ट साइड वाला फर्स्ट लेना है आपको और राइट साइड वाला आपको सेकेंड फंक्शन लेना है. ठीक है सो आई रिप्रेजेंट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है. एल इज फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन. ए इज फॉर एल्जेब्राइक फंक्शन जैसे एक्स एक्स स्क्वायर है ना एक्स क्यूब वन बाय एक्स स्क्वायर वन बाय एक्स क्यूब ऑल दीज टाइप विल कम अंडर एल्जेब्राइक फंक्शन. देन वी हैव ट्रिग्नोमेट्रिक अगेन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस एंड द लास्ट कम्स इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसमें ई की पावर एक्स ए की पावर एक्स वो वाली वैल्यूज रहती है. सो देखो मैं आई और टी को तो कट कर रही हूँ बिकॉज दे आर नॉट इन आवर सिलेबस. सो एल ए ई ये वाला हमारा रूल है पर हम बोलते हैं शुरू से आईलेट रूल ही है. सो आईलेट रूल ये क्या कहता है लेफ्ट साइड टू बी टेकन एज द फर्स्ट फंक्शन ओवर राइट साइड. सो अगर मेरे पास लॉगरिथमिक और एल्जेब्राइक फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा लॉगरिथमिक और एल्जेब्राइक मेरा सेकेंड फंक्शन. अगर मेरे पास लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है
तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया मेरा सेकंड फंक्शन और लॉगरिथमिक हो गया मेरा फर्स्ट फंक्शन. एलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल है तो दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, दिस इज माय सेकंड फंक्शन. सो इट इज बेसिकली द प्रायोरिटी ऑफ वन टू टू सेकंड फंक्शन. करेक्ट, यस और नो? दिस इज द ऑर्डर फॉर चूजिंग योर फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन. इज दिस क्लियर एवरीवन? All right, so we have already revised the basis of your entire indefinite integrals. हम लोग अब questions देखते हैं और कैसे substitution करना है, कैसे partial fraction करना है और कैसे bypass करना है. So you have mixed questions of all. यहाँ पे आपके पास है ना mixed questions है. Is it okay in the visibility? Okay, I think this is perfect, है ना? Okay, let's talk about the first question. ठीक है, अभी मैंने आपको बोला आपको मिक्स दे रखे हैं, बाईपास भी होगा, पार्शियल फ्रैक्शन भी होगा और सब्सटीट्यूशन भी होगा. सो डिसाइड अकॉर्डिंगली, लुक एट द क्वेश्चन एंड देन डिसाइड विच मेथड टू यूज. राइट, सो चलिए बताइए. फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस वन बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद आपको दे रखे हैं एमसीक्यूज ये हैं. सो क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं. क्वेश्चन वन बोल रहा है जब भी ऐसा आता है ना हमेशा होल स्क्वायर को ओपन करो. ठीक है, सो इंटीग्रेशन होल स्क्वायर ओपन किया, रूट एक्स का हो गया एक्स प्लस 1 by x और प्लस 2 रूट एक्स, 1 by रूट एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 dx. अरे बहुत आसान हो गया अब तो इंटीग्रेशन, वेरी इजी. क्या हो गया, x का हो गया x square by 2 प्लस 1 by x का log of mod x प्लस 2 का 2x प्लस c. got it, वेरी इजी, ऑप्शन नंबर b. ठीक है, सेकंड a टू द पावर x प्लस a टू द पावर माइनस x का स्क्वायर, सेम वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, बस यहाँ पे a की पावर x है. सो अगेन होल स्क्वायर को ओपन कीजिए, इंटीग्रेशन a की पावर 2x प्लस a की पावर माइनस 2x प्लस 2 टाइम्स a की पावर x इंटू a की पावर माइनस x कैंसिल हो गया, बचा क्या ओनली 2 dx. अब मुझे बताइए a की पावर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन log a, और यहाँ पे देखो x का कोएफिशिएंट 2 भी है तो आपको डिनोमिनेटर में 2 भी चिपकाना रहेगा. राइट, सो इधर से क्या हो गया a की पावर 2x अपॉन log a और साथ में 2b, फिर प्लस a की पावर माइनस 2x अपॉन डिनोमिनेटर में यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस 2, सो यहाँ आ जाएगा माइनस 2 log a और फिर प्लस 2x प्लस c. अब आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सेट हो रहा है आपका, सी ऑप्शन, यस ऑप्शन सी. ठीक है, क्या देखो फर्स्ट टू ऑप्शंस में लॉग ए खा गया है वो, तो इसीलिए वो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन बोल रहा है इफ इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू. अच्छा हाँ, एक हम लोग बाईपास के अंदर भूल गए, ध्यान है आपको कौन सा वाला, e की पावर x f ऑफ x इंटू f डैश x, अगर हमारे पास होता है तो इफ वी हैव दिस स्पेशल इंटीग्रल, किसी को याद है e टू द पावर x f ऑफ x प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई, वेरी नाइस, प्लस f डैश x अगर होता है तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला इसका विच इज गिवन बाय e की पावर x f ऑफ x. इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाई पाथ से ही निकालते हैं ये रिजल्ट, ये रिजल्टेंट है, आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी की तरह याद कर सकते हैं. ठीक है, सो हम लोग ये डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, वैसे ये आप सॉल्व करके भी चेक करना तो यू विल गेट ये बाईपास से सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, बाईपास यूज करते हैं. सो ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स. ठीक है, क्या ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा. नेक्स्ट, तो हम लोग यही यूज कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में एक्चुअली. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ई की पावर एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, सो होल स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे तो ओपन करना पड़ेगा इसको, तो ऐसा करते हैं हमेशा. सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x होल स्क्वायर है, क्या करूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा. चेक करो अभी, क्या सेपरेट कर दो दोनों को, सेपरेट करोगे तो क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन e की पावर x तो अंदर रहने दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही. चेक करो सही है, और नीचे देखो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 2, नहीं इधर स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी एक ही आएगा. ठीक है, क्या चेक करो सही है कि नहीं है बताओ. अब अगर मैं इसको f ऑफ x बोलती हूँ तो देखो ये f डैश x आ रहा है, चेक करो
इफ आई से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 + x² है ना, तो एफ डैश एक्स देखो क्या हो गया, पहले तो पावर -1 - 1/1 + x² का होल स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन 2x, सो आ गया -2x/1 + x², सो ये ऐसा नहीं बन रहा e^x f(x) + f'(x), इसको आप चाहो तो ऐसे लिख लो, ये लो अभी देखो f(x) + f'(x) बन गया, सो इधर से आंसर क्या बताया था मैंने डायरेक्टली e^x f(x) कितना था 1/1 + x² प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है क्या हो फैन, ओके सो इधर से आपका आंसर आ गया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है क्या, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, x e^1 + x² dx, अगेन दिस कैन बी डन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आपके सारे 1-1 mark के टाइप के क्वेश्चंस ही है सारे, इंटीग्रेशन i से रिप्रेजेंट कर लेते हैं x e^1 + x² dx, सो लेट करते हैं 1 + x² = t, तो 2x dx = dt, अभी देखो मेरे पास x है dx है तो x dx की वैल्यू क्या हो गई dt/2, लेट अस सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग हियर, सो इधर से क्या आया इंटीग्रेशन e^t (dt/2), आई टोल्ड यू कांस्टेंट को बाहर ले जाओ, सो 1/2 बाहर आ गया, यू आर लेफ्ट विद इंटीग्रेशन e^t (dt), ओ भाई ये तो बहुत इजी होता है, e^t होता है, ठीक है, सो क्या आ गया आंसर 1/2 e^t + कांस्टेंट, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो यू गेट द आंसर एज 1/2 e^ क्या रखा था 1 + x² है ना प्लस सी आंसर, समझ आया, वेरी इजी बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमने किया, बिल्कुल बेसिक सब्स्टिट्यूशन था यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है इंटीग्रेशन 2^(x+1 - 5x - 1)/(10^x), नाउ दिस यूजेस एक्सपोनेंट्स रूल, जो एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी होती है ना, हम लोग a(a)(b)^(x), ऐसी वाली प्रॉपर्टीज को हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे। सो क्वेश्चन 5, इंटीग्रेशन 2^(x+1 - 5)/(x-1)/, क्या मैं 10 को लिख सकती हूँ 2 × 5^(x), उसको 2^(x) 5^(x) लिख सकते हैं, लिख लेते हैं तो डायरेक्टली 2^(x) × 5^(x) dx, अभी ऐसा कीजिए दोनों को सेपरेट कर दीजिए, सो इंटीग्रेशन 2^(x)(2) लिखूंगी x+1 और ये हो जाएगा 2^(x)(5)/(x) माइनस 5^(x)/5 लिख सकती हूँ x-1 को इंटू 2^(x)(5)/(x) dx, अभी देखो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही हैं, 2^(x) है 2^(x) है 5^(x) है 5^(x) कैंसिल, समझे कि नहीं समझे, आया आर्णव अवीश आ रहा है, नेक्स्ट चले आगे। इधर से क्या हो जाएगा 2 तो बाहर कांस्टेंट आ गया, इंटीग्रेशन 5^(-x) dx और यहां से देखो 1/5 कांस्टेंट आ गया, सही है 2^(-x) dx, चेक करो सही है कि नहीं है, अब तो आसान हो गया हमारा इंटीग्रेशन नॉर्मल है a^(x) जैसा, ठीक है, सो ये हो जाएगा 2 × 5^(-x) / पहले -1 और log 5, log ही आता है नीचे, और यहाँ पे हो जाएगा -1/5 × 2^(-x) / (-log 2, हाँ या ना बताइए, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इधर साइड में लगा दिया, अल्टीमेटली व्हाट इज द आंसर, यह आंसर क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा इधर वाला, तो मैं इसको सही करके लिख देती हूँ 1/5 log 2 × 2^(x), सही लिखा है -2/log 5 × 5^(x), चेक करो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, प्लस सी यस और नो, रीअरेंज करके हमको फाइनल आंसर लिख के आना है, ऐसे बीच भी अधूरा मत छोड़ना, ऐसा मत छोड़ देना आंसर को यार, ठीक है, मेक श्योर यू आर कंप्लीटिंग द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स बोल रहा है, आई होप यू आर गेटिंग दीज सब्स्टिट्यूशन समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इंटीग्रेशन 2x/√(x²+1), अब यार ये क्यूब रूट तो अलग ही चल रहा है, मतलब क्यूब रूट तो कैसे ही करेंगे हम यहाँ पे, देखो ये रहा, वेरी नाइस, x² + 1 को t² लेट कर लें क्या,
या टी क्यूब लेट कर लो तो क्यूब क्यूब भी हट जाएगा, चलेगा? देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है इंटीग्रेशन 2x अपॉन अंडर रूट सॉरी क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमको कैलकुलेट करना है, सॉरी। सो इधर से अभी मैं ऐसा करती हूँ ना, ये जो क्यूब रूट का टंटा है ना इसको ही हटा देती हूँ, टू द पावर 1/3 भी क्यों रखूँ, टी क्यूब भी मान लेती हूँ। सो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी क्यूब, इससे फायदा क्या होता है, वो 1/3 पावर और ये सारी पावर्स हट जाती हैं और बहुत सीधा सरल सा आ जाता है, ठीक है। दूसरा आप डिवाइड कर दोगे टी स्क्वायर ही तो आएगा, कोई बात नहीं, नॉर्मल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन भी ईजी होता है। डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड, सो यू गेट 2x dx इक्वल टू 3t² into dt, करेक्ट और नॉट? अभी देखो आपके पास 2x dx ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसके अंदर वैल्यू, इंटीग्रेशन 2x dx की हो गई 3t² dt, सही है, अपॉन क्यूब रूट ऑफ टी क्यूब, कितना हो जाएगा टी, देखो टी से टी कट गया और आसान हो गया, 3 बार लिया है इंटीग्रेशन t dt, लो बताओ भाई आंसर क्या होगा, 3t² by 2, तो 3/2 t² टी स्क्वायर कितना हो गया x² + 1 टू द पार 2/3 प्लस सी, आया ना? हाँ आंसर तो सेम ही आएगा, बस वो 1/3 की पार रहेगी, बस एक ही बात है बाकी तो, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, क्वेश्चन 7 बोल रहा है ई टू द पावर एक्स एक्स माइनस 3/(x-1) का होल क्यूब। अभी देखो पता है ऐसे वाले क्वेश्चंस में थोड़ी सी ट्रिक रह जाती है, जैसे x-1 है और ऊपर x-3 है, तो x-3 को ऐसे एक्सप्रेस करो कि x-1 बन जाए, बन सकता है क्या? -3 को -1 -2 लिख लो, लिख सकती हूँ, लिखते हैं चलो। सो इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स x-3 को लिख दिया मैंने, लेट्स सी x-1 -2, सही लिखा है कि नहीं लिखा है बताओ, x-3 हो गया अपॉन x-1 का होल क्यूब। ऐसा करते हैं इसको सेपरेट कर लेते हैं, सेपरेट करोगे तो देखो e की पावर x को तो पड़े रहने दो इधर ही, ठीक है, अंदर आ रहा है x-1/(x-1) का क्यूब, सो 1/(x-1) का स्क्वायर -2/(x-1) का होल क्यूब dx। अभी देखो एक बन रहा है f ऑफ x, ये बन रहा है f ऑफ x और ये बन रहा है उसका f डैश x, चेक करो x-1 का स्क्वायर 1/(x-1) का स्क्वायर इज f ऑफ x और वो हो गया f डैश x, डायरेक्ट आंसर हो गया e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x, आंसर विल बी e की पावर f ऑफ x, सो आंसर इज e की पावर x-1 का होल स्क्वायर प्लस c, आंसर समझ आया? यूजिंग द प्रॉपर्टी और यूजिंग द फॉर्मूला ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन 8 कह रहा है x^4 - x^1/4 अपॉन x^5। अभी ये वाले क्वेश्चन जब भी होते हैं ना तो इसका भी ट्रिक ही रहता है कि एक एक्स को आप अंदर घुसा दो, x^4 - x, एक सेकेंड, इंटीग्रेशन अपॉन x^5 और ये 2^1/4 है dx, ठीक है। ऐसा करते हैं x^5 में से एक x को अंदर घुसा देते हैं, एक x को अंदर घुसाओगे तो अंदर पावर क्या हो जाएगी, 4, तो बाहर निकलेगा तो x आ जाएगी, राइट। इंटीग्रेशन x^4 - x/(x^4) 2^1/4 × 1/(x^4) dx, हाँ है ना? इसमें किसी को कोई तकलीफ है क्या, बताइए? ये x^4 मैंने अंदर घुसाया, 2^1/4 है तो अल्टीमेटली x बचा, x × x^4 कितना हो गया, x^5। ये वाले क्वेश्चंस में हमेशा यही ट्रिक रहेगी कि आप इसको अंदर ले जाइए, 2^1/3, 1/4, 1/5 कुछ भी होगा ना उसको अंदर ले जाओ। अब इसको सेपरेट करो, सेपरेट करोगे आपके पास एक फ्रैक्शन आ रहा है, देखिए इंटीग्रेशन 1 - 1/x³^(1/4) × 1/(x^4) dx। अभी देखिए इसका डिफरेंसिएशन इज दिस, देखो 1/x³ का हमेशा 1/x^4 होगा, एक कांस्टेंट कांस्टेंट आएगा वो चिपका देंगे बाद में, ठीक है। सो ऐसा करते हैं अंदर वाले को टी लेट कर लेते हैं, ठीक है क्या? सो आप इसको टी लेट कर लीजिए, 1 - 1/x³ = t, आप चाहे तो टी की पार 4 भी ले सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, एक ही बात है, ठीक है। नाउ इधर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा -3/(x^4), सही लिखियो,
नहीं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ऐसा करते इसको रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, सो 1 बाय एक्स टू द पावर 4 डी एक्स तो आपके पास है ही, सिर्फ 3 नहीं है, सो डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 आना आ रहा है, एक्स टू द पावर 4 सॉरी हैंग हो गया, ठीक है हाँ, तो इधर से आ गया एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू डी टी बाय 3 को इधर नीचे ले जाते हैं, रीअरेंज करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आ रहा है इंटीग्रेशन टी की पावर 1/4 है ना, और ये डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 4 कितना था डी टी बाय 3। 3 को बाहर ले जाऊं कॉन्स्टेंट है, और टी की पावर 1/4 का क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1 अपॉन 1/4 प्लस 1, सो इधर से आया 1/3 तो बाहर, टी की पावर 5/4 अपॉन 5/4 प्लस सी। अच्छा ये 5/4 उसको रीअरेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4/15, चेक करो 4/15 और टी की पावर 5/4, मतलब टी क्या रखा था आपने 1 - 1/x³ होल टू द पावर 5/4 प्लस सी। ये सुनो चेक कीजिए, ये वाले क्वेश्चंस की ट्रिकी यही है, ये वाले को कहलाते हैं प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस। प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मतलब बिफोर गोइंग फॉर एनी सब्स्टिट्यूशन प्लीज ब्रिंग इट टू द प्रॉपर फॉर्मेट एंड देन सब्स्टिट्यूट। सो इधर अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर देते तो कुछ काम नहीं होता। एक ही बात है, यस नेक्स्ट। हाँ जी हाँ रैशनलाइज करना चाह रहे हैं तो न्यूमरेटर में कैसे, ठीक है अच्छा ठीक है हाँ एक ही बात है हाँ वन एंड द सेम थिंग गॉट इट। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2। ऐसे क्वेश्चन अभी भी आए आप मतलब सच्ची कह रही हूँ इसके अंदर कोई तरीका नहीं है, ओनली पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ईजी होता है, दिस इज द ईजिएस्ट टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन यू हैव। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, सबसे ईजी पार्शियल फ्रैक्शन दिया है ये, सबसे बेसिक आपका, फिर थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन को इंक्रीज करेंगे। इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डी एक्स। ऐसा क्वेश्चन हमेशा पार्शियल फ्रैक्शन से होएगा, ऊपर लीनियर फ्रैक्शन लीनियर वेरिएबल है, नीचे की तरफ क्वाड्रेटिक है। सो हम क्या करेंगे, पहले इस इंटीग्रल को नहीं सॉल्व करेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग, एलसीएम लेंगे तो हमें दिख रहा है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस 2 प्लस b टाइम्स x प्लस 1। दोनों के डिनोमिनेटर सेम होगा इसलिए अब हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को ही इक्वेट करेंगे, राइट। सो इधर से देखो क्या आ रहा है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी। ऐसा करते हैं x वाली टर्म्स और कॉन्स्टेंट वाली टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, सो a प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी माइनस 2a, सही लिखूं क्या 2x प्लस 1, यस और नो। नाउ यू हैव टू लीनियर इक्वेशंस इन ए एंड बी, सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 आ रहा है और बी माइनस 2a इज इक्वल टू 1 आ रहा है, देखो कॉन्स्टेंट टर्म कंपेयरिंग द टू, एक्स के वेरिएबल को एक्स के साथ और कॉन्स्टेंट टर्म को कॉन्स्टेंट टर्म के साथ, चलेगा क्या, चलें आगे। नेक्स्ट इधर से क्या आएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 2, अच्छा ऐसा कर लेती हूँ बी माइनस 2a तो यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस 2a प्लस बी इक्वल टू 1, सब्ट्रैक्टिंग द टू इक्वेशन सो इज पॉजिटिव नेगेटिव माइनस, सही है क्या 3a इक्वल टू 1, सो a की वैल्यू आ रही है आपकी 1/3, यस और नो चेक कर लीजिए, a 1/3 आ रहा है और a प्लस बी 2 है तो b कितना हो जाएगा 5/3। नाउ यू कैन एक्सप्रेस योर एक्सप्रेशन, नाउ यू कैन एक्सप्रेस योर इंटीग्रल एज इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डी एक्स कैन बी एक्सप्रेस एज, देखो इंटीग्रेशन ऑफ a, a कितना हो गया 1/3 है ना, सो 1/3 x प्लस 1 और प्लस 5/3
एक्स माइनस टू होल dx. अब क्या करो, उसको सेपरेट कर लो और कॉन्स्टेंट टर्म्स को बाहर ले आओ. सो इंटीग्रेशन 1/3 तो बाहर आ गया, 1/x + 1 dx प्लस 5/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/x - 2 dx. अब ये तो हमें आता ही है, 1/x + 1 log of mod x + 1 और 1/x - 2 log of mod x - 2. वेरी इजी, 1/3 log of mod x + 1 प्लस 5/3 log of mod x - 2 प्लस c. डोंट फॉरगेट योर सी. ठीक है क्या, चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 10th क्वेश्चन बोल रहा है इंटीग्रेशन x² + 1 लॉग ऑफ x² + 1 -2x / x^4. हाँ भैया, कैसे करेंगे? x² + 1 / x². अब ऐसी कोशिश हम इसकी भी बनाने की कोशिश करते हैं, x² + 1 / x² बनाने की कोशिश करते हैं. तो वो बनाने के लिए अंदर अंडर रूट में ले जाना, तो एक x अंदर ले जाते हैं तो बाहर बचा क्यूब. ठीक है क्या, वही करेंगे. इंटीग्रेशन क्या किया मैंने, देखो अंडर रूट ऑफ x² + 1 इंटू, देखो लॉग ऑफ x² + 1 -2 log x को लिख सकते हैं हम, लॉग x², हाँ या ना, चेक करो, अपॉन होल अपॉन कितना दे रखा है x^4 dx. अभी देखो एक x^4 को एक को अंदर x² + 1 के अंदर ले जाती हूँ मैं, ठीक है, और x³ को अलग लिख देती हूँ. सो इधर से आ रहा है इंटीग्रेशन अंडर रूट में x² + 1 / x², सही है. अंदर देखो ये बन रहा है लॉग ऑफ x² + 1 / x², a - b वाली प्रॉपर्टी, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m / n, और लास्ट में ये 1/x^4, एक को हम अंदर ले गए और एक क्या बचा, 1/x³ dx, ये बच गया हमारे पास. सही कि नहीं है बताइए. ठीक है, अभी ये वही प्रॉपर सब्सटीट्यूशन वाला ही क्वेश्चन है. इधर से हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको आप अलग अलग करके लिख लीजिए, 1/1 / x², है ना, फिर लॉग ऑफ 1 + 1 / x², है ना, और अंदर क्या आ जाएगा, 1/x³ dx. अब देखो क्या आप लेट क्या करोगे यहाँ पे, 1/1 + x² को हम लोग लेट कर लेते हैं टी. ठीक है, सो इधर से क्या हो गया, 1 + 1/x² इज इक्वल टू लेट्स से टी, या टी स्क्वायर ले लो तो अंडर रूट का टंटा बैठ जाएगा, एनीवेज वो कैंसिल हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, सो इधर से -2/x³ dx कितना हो गया, 2t dt, सही है, चेक करो. और इधर से देखो 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, dx/x³ = -t dt, चेक करो, यही आया. अल्टीमेटली देखो मेरा इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन, ये तो टी स्क्वायर है तो अंडर रूट टी स्क्वायर कितना हो गया, टी लॉग ऑफ टी, सही है क्या, चेक करो. और यहाँ पे माइनस डी टी इंटू टी, dx/x³ को हम -t dt लिख दिया, सही है कि नहीं है, चेक कर लो, हाँ या ना, आया, इज इट क्लियर. नाउ देखिए इसको अब हम रीअरेंज करते हैं, तो माइनस बाहर आ गया, अंदर देखो क्या चल रहा है, इंटीग्रेशन t² log t dt, बड़ा ही बढ़िया, अब बाईपार्ट्स का क्वेश्चन बन गया है. हाँ, लॉग टी स्क्वायर कोई हो सकता है क्या, टी मल्टीप्लाई में है, लॉग टी बाहर है, ये ऐसा फंक्शन है, ऐसे थोड़ी ना मल्टीप्लाई हो जाता है, log t square थोड़ी ना होगा, ये तो भाई वेरिएबल टर्म है तो ये तो इससे मल्टीप्लाई होगी ना, इट विल नॉट गेट मल्टीप्लाइड बाय log के अंदर की वैल्यू से. अच्छा इसको t square ले लिया, हाँ सॉरी, ओके दैट आई अंडरस्टैंड, ओके log t square, ओके नेक्स्ट. अब बताओ क्या करोगे, इसको पहले 2 log t लिख लें क्या, मतलब फालतू प्रॉब्लम क्रिएट करेगा log t square, 2 log t लिख लें इसको, नहीं तो क्या करेगा ये, हमको ही प्रॉब्लम देगा. तो -2 बाहर आ गया, ठीक है, सो -2 इंटीग्रेशन t² log t dt, हाँ या ना, आप चेक करो. अभी देखो ये नॉर्मल बाईपास का क्वेश्चन हो गया है, आई विल कंसिडर आइलेट रूल के हिसाब से, लॉग फर्स्ट आ रहा है ना, तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन, और टी स्क्वायर हो जाएगा मेरा सेकेंड फंक्शन. और ऐसे भी सोच लो मुझे इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर आता है, ठीक है, सो ये हो गया मेरा फर्स्ट, ये हो गया मेरा सेकेंड. अब फॉर्मूला बोलते हैं, -2 को तो बाहर रहने दो, अंदर में
फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंसिएशन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी टी। हाँ या ना चेक कीजिए, इधर से माइनस टू बाहर रहने देते हैं, लॉग टी इंटू टी क्यूब बाय थ्री माइनस, एक टी से एक टी कट गया, टी स्क्वायर बाय थ्री आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, टी क्यूब बाय नाइन माइनस टी क्यूब बाय नाइन। हाँ या ना चेक कर लीजिए एक बार, सही है। ऐसा करूँ बाहर ले लेती हूँ, टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, देखो टी क्यूब बाहर आ जाएगा, इनफैक्ट माइनस टू टी क्यूब बाय थ्री, चेक करो अंदर बच रहा है लॉग टी माइनस वन बाय थ्री, चेक कर लो। अब बस टी टी की वैल्यू पुट कर दो, टी क्या रखा था हमने, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल, वन प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, सो ये हो जाएगा टू टाइम्स माइनस टू बाय थ्री टाइम्स वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर होल टू द पावर थ्री बाय टू, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ अंडर रूट है ना, नहीं लॉग टी तो स्क्वायर रखा था ना हमने, तो वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर हो गया ही, तो और माइनस वन बाय थ्री प्लस सी, मैं यहाँ प्लस सी लिखना भूल गई थी, प्लस सी, ठीक है क्या। सो दिस वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड बाय पार्ट्स, नहीं 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 वो टी है ना, तो टी इज इक्वल टू, हमने उसको स्क्वायर रखा था ना, टी ये कितना आ रहा था, अंडर रूट आ रहा था क्या, यहाँ पे नॉर्मल आ रहा है क्या, लॉग टी आ रहा है ना, तो टी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दैट ना, टी विल बी रूट दिस, तो टू द पावर वन बाय टू हो गया। और अरे भाई हाँ, फर्स्ट स्टेप बोल देती बहन, मैंने क्या किया यहाँ पे, टू लॉग एक्स लिखा हुआ था, तो टू उसकी पावर में चला गया, ये एक्स स्क्वायर बन गया, अब ये लॉग एम माइनस लॉग एन हो गया, तो लॉग एम बाय एन, याद आ गया, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिस वाज अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, सीरीज में थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बीच में आ गया। नेक्स्ट ये थोड़ा सा हाई लेवल वाला ही हो गया, मतलब क्योंकि दो वे मेथड्स यूज कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन एंड देन बाय पार्ट्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया ना, हाँ 11, अगेन दिस इज अ पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन, आप इसको स्प्लिट करेंगे, देखिए 3x प्लस 1, सॉरी 3x माइनस 5 की जगह यहाँ पे 3x प्लस 1 है, प्लीज मेक द चेंजेस, 3x माइनस 5 की जगह इट इज 3x प्लस 1, have I made the changes in your printed sheet, there is 3x plus 1 or 3x minus 5, it's 3x plus 1, now 3x plus 1 hai integration 11th question, aisa karte hain 3x plus 1 upon, isko pehle common le lete hain, idhar se x square common aa raha hai x minus 1 minus 1 common aa raha hai x minus 1, aap dekh sakte ho ye ban raha hai 3x plus 1 upon एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या बन रहा है, थ्री एक्स प्लस वन अपॉन क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, चेक करो, और इसको आप बाय पार्ट वो पार्शियल फ्रैक्शन में स्प्लिट करो, तो ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वन, हाँ है ना, स्प्लिट करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो देखिए 3x प्लस 1, अब देखो a के पास एक x माइनस 1 नहीं है और एक x प्लस 1 नहीं है, तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस b के पास सिर्फ x प्लस 1 नहीं है और c के पास x माइनस 1 का स्क्वायर नहीं है, सही है, जो नहीं है वो LCM के हिसाब से करते नहीं है क्या हम लोग, वही चीज़ है, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करते हैं 3x प्लस 1, यहाँ पे तीन इक्वेशंस बनेंगे a b c में, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस सी, ऐसा करो एक्स स्क्वायर ए और एक्स और इन टर्म्स को एक कलेक्ट कर लेते हैं, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स हो गए, फिर एक्स के कोएफिशिएंट्स कलेक्ट करते हैं, तो बी माइनस टू सी इज इक्वल टू थ्री, और फिर कॉन्स्टेंट टर्म माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो मैं इसको माइनस ए प्लस बी
प्लस सी इज इक्वल टू वन लिख रही हूँ। समझ आया क्या? कॉन्स्टेंट टर्म्स, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स और एक्स के कोएफिशिएंट्स को हमने कलेक्ट करके एक तरफ कर लिया और हमारी लीनियर इक्वेशंस बना ली। अब इधर से आप ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? ए इक्वल टू, अच्छा आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर रही हैं, ए इक्वल टू माइनस सी बोल दिया हमने, इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ए इक्वल टू माइनस सी, तो माइनस ऑफ माइनस सी प्लस बी प्लस सी इक्वल टू वन, तो टू सी बी प्लस टू सी इक्वल टू वन, यहाँ पे पुट कर देते हैं बी प्लस टू सी इक्वल टू वन, एडिंग द टू, टू बी इक्वल टू फोर, बी की वैल्यू कितनी आई? टू। चेक करो सी इसमें पुट कर देती हूँ, बी टू है तो सी हो जाएगा माइनस हाफ, चेक करो सी इज माइनस हाफ तो ए कितना हो गया? प्लस हाफ। किसी में भी पुट करके निकाल लो, हाँ या ना? चेक करो, अब जब हम पार्शियल फ्रैक्शन से हमारा इंटीग्रल को लिखते हैं, आई इंटीग्रल कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन 1 बाय 2 एक्स माइनस 1 डीएक्स, फिर बी इंटीग्रेशन 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर डीएक्स, फिर सी, सी कितना रहता है? माइनस हाफ ना, तो माइनस हाफ, चलो अंदर ले लेती हूँ पहले, चलो प्लस माइनस हाफ एक्स माइनस एक्स प्लस 1 डीएक्स, यही था। अभी देखो ये x, बाकी दोनों तो log of mod x, log of mod x हो जाएगा, ठीक है? प्रॉब्लम किसमें? इसमें, इसको हम लेके x की पावर माइनस टू, तो हो जाएगा x की पावर माइनस टू प्लस वन, माइनस वन अपॉन माइनस वन, करेक्ट करें? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाय टू log of mod x माइनस वन, और ये वाला भी log इधर ही ले आती हूँ, तो माइनस हाफ log of mod x प्लस वन, ये तो दोनों साथ में हो गए। अब देखो प्लस टू टाइम्स एक्स माइनस वन की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ये देखो हाफ लॉग, ये दोनों एम माइनस एन हो रहा है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, कर सकती हूँ क्या? और यहाँ हो जाएगा माइनस टू टू अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी, आंसर सही है कि नहीं है? चेक कर लीजिए एक बार, इज दिस करेक्ट? पार्शियल फ्रैक्शन भी यूज किया हमने यहाँ पे और तीन वेरिएबल्स लेके आए थे यहाँ पे, ठीक है क्या? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12th। अगेन पार्शियल फ्रैक्शन है, बट बाय फर्स्ट बाय सब्स्टिट्यूशन एंड देन गोइंग फॉर पार्शियल फ्रैक्शन, गॉट इट? सो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन कह रहा है एंड इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमेशा एक्स स्क्वायर को आपको टी लेट करना होता है, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, 2x dx इक्वल टू dt। अब ये नॉर्मल पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बना है, इंटीग्रेशन 2x dx हो गया dt अपॉन t प्लस 1 इनटू t प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन t प्लस 1 इनटू t प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 2 प्लस c अपॉन t प्लस 2 का होल स्क्वायर, सही है कि नहीं है? अब 1 इक्वल टू a टाइम्स, a के पास t प्लस 2 का होल स्क्वायर नहीं है, प्लस b के पास t प्लस 1 नहीं है और t प्लस 1 इंटू t प्लस 2 नहीं है, और c के पास t प्लस 1 नहीं है, सिर्फ जो नहीं है उसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, सही है? ऐसे याद रहेगा, सिंपली इसको ओपन करके सॉल्व करते हैं और कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, हो गया क्या अवीश आपका? तो फिर 2at प्लस 4a प्लस bt स्क्वायर प्लस 2bt प्लस bt प्लस 2b, सही लिख रही हूँ क्या? और फिर प्लस ct प्लस c, चेक कर लो एक बार सही किया है कि नहीं किया है। अभी देखो ए टी स्क्वायर, तो a प्लस बी बराबर जीरो, टी स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स 2at प्लस 3bt और प्लस ct, तो 2a नहीं 2 नहीं 2at 2a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू जीरो, क्योंकि t के भी कोएफिशिएंट्स जीरो हैं और बस कांस्टेंट टर्म 1 है, कांस्टेंट टर्म है 4a प्लस, नीचे वाले लाइन में लिख लेती हूँ, 4a प्लस 2b
प्लस सी बराबर जीरो, नहीं बराबर वन, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म तो वन है, ठीक है ये वन। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए बराबर माइनस बी बराबर माइनस ए लिख लो, या ए बराबर माइनस बी कुछ भी लिख लो, जैसे भाई पुट कर देते हैं वैल्यू, इधर आ जाएगा बी इक्वल टू माइनस ए ना, तो टू ए माइनस थ्री ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, इधर से कितना आ रहा है माइनस ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन तो ये बन गई, और इधर भी पुट कर दो फोर ए माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू वन, तो सॉरी माइनस टू ए, टू ए प्लस सी इक्वल टू वन, ठीक है ए बराबर सी आ रहा है, तो ए बराबर सी आ रहा है मतलब ए इज इक्वल टू सी, इधर से टू ए प्लस ए थ्री ए इक्वल टू वन, ए की वैल्यू आ गई वन बाय थ्री, सी की वैल्यू भी हो जाएगी वन बाय थ्री, और बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन बाय थ्री। हाँ या ना चेक कर लीजिए, एक बार चेक करते हैं एक बार सारा, सी की वैल्यू माइनस वन आ रही है, ए वन आ रही है, कहाँ मिस्टेक, ये क्या आ रहा है, एक सेकंड मैं वही देख रही थी, कुछ प्लस माइनस का मिस्टेक किया है यहाँ पे, ऊपर क्या आया, ये तो सही है, एटी स्क्वायर प्लस टू एटी प्लस फोर ए, 280 नहीं 4a होएगा ये, गॉट इट, ये भी 4 ही है तो होएगा, ये भी 4 होएगा ना, चेक कर लो, t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4, 2 2 सा 4, गॉट इट, ये वही चीज है, आ गया समझ में, एक 4 का प्रॉब्लम था उसको सही कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 480, तो इधर से आ रहा है 4a प्लस 3b, 4 ए प्लस थ्री बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, और ये वाला तो सही है ही, तो अब इधर से क्या आया देखो, टू ए की जगह यहाँ हो जाएगा फोर ए, गॉट इट, फोर ए माइनस थ्री ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, सो इधर से आ रहा है ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, करेक्ट, तो ए इक्वल टू माइनस सी, करेक्ट, इधर भी पुट कर देते हैं फोर ए प्लस टू बी प्लस सी, तो फोर ए माइनस टू ए प्लस सी, टू ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, अब आ रहा है a इक्वल टू माइनस सी ना, तो इधर से हो जाएगा a इक्वल टू वन, सही है, a वन आ गया, तो c हो जाएगा माइनस वन, और b कितना आया था माइनस वन ही, सो a वन b माइनस वन एंड c माइनस वन। चले आगे, अब हम लगो इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं, सो हमारे पास था इंटीग्रेशन वन अपॉन a, a अपॉन क्या था t प्लस वन डी टी, फिर माइनस बाहर ही ले लेती हूँ मैं तो हाथों हाथ, वन अपॉन टी प्लस टू डी टी, और फिर माइनस इंटीग्रेशन वन अपॉन टी प्लस टू का होल स्क्वायर डी टी था, चेक कर लेते हैं एक बार, ये रखा था ए अपॉन टी प्लस वन टी प्लस टू टी प्लस टू का स्क्वायर, सही है, सही है। अब इसको कर लेते हैं, लॉग ऑफ मॉड टी प्लस वन माइनस लॉग ऑफ मॉड टी प्लस टू माइनस t प्लस टू की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, ठीक है, अब इसको बस रीअरेंज कर लेते हैं, लॉग ऑफ मॉड t प्लस वन बाय टी प्लस टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वन अपॉन t प्लस टू प्लस सी, सब्स्टिट्यूट t एज एक्स स्क्वायर नाउ एंड योर आंसर इज हियर, तो t की वैल्यू एक्स स्क्वायर, लास्ट में t को जरूर वापस x में पुट करके छोड़ के आना, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है आपकी भाई, क्वेश्चन नंबर 13th, क्वेश्चन 13th कह रहा है x प्लस e की पावर 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस e की पावर 2x, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करेंगे, फिर हाँ, और नहीं तो सीधा सीधे x स्क्वायर प्लस 2 सीधे सीधे कर लो, t लेट करो, आंसर वैसे ही हो जाएगा 2, मैं कह रही हूँ क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इंटीग्रेशन x प्लस ई की पावर 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर 2x dx, लेट एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर को वैसे ही लेट कर लो, तो 2 का फैक्टर वैसे ही कॉमन हो जाएगा इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस ई की पावर 2x का हो गया ई की पावर 2x इंटू 2,
डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो इधर से आ गया एक्स प्लस ई की पावर टू एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई टू। एक ही बात है, आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टू कर रहे हो, हम डायरेक्टली लेके आ गए, ठीक है। सो इधर से क्या आ गया, वन बाय टू इंटीग्रेशन डी टी बाय टी, आंसर वन बाय टू लॉग ऑफ मॉड टी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर टू एक्स प्लस सी। और वैसे ऐसे वाले क्वेश्चन में दिख ही रहा है यार, e की पावर 2x जब भी होता है ना तो ज्यादातर आपको मिल ही जाएगा डिफरेंसिएशन। सो e की पावर 2x का e की पावर 2x दिख रहा है और एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो वो बैठ जाएगा x से, ठीक है। एक 2 के फैक्टर को हम लोग सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 9 की पावर 9x की पावर 6, ये वाला वो स्पेशल इंटीग्रल सिखाया था आपको, स्पेशल इंटीग्रल्स बताए थे 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो वाले से हो जाएगा। सो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब पर इसको फॉर्म में लाना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है 14, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 9 एक्स की पावर 6 डी एक्स। अब हमें क्या चाहिए होता है, स्क्वायर चाहिए होता है, तो ये हम मान लेते हैं एक्स क्यूब को टी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स आपका डी टी हो जाएगा। सोचो एक्स क्यूब इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा 3x square dx equal to dt. So x square आपके पास है, dx है, ये हो जाएगा dt by 3. अभी इसको इधर ले आओ, 1 by 3 तो बाहर आ गया, dt upon 1 minus 9 x क्या था, x cube का whole square. तो मैं इसको ऐसे चलो ऐसे लिख लेती हूँ, x cube का whole square लिख देती हूँ, सॉरी t लिख देती हूँ अब मैं सीधा सीधा, तो मैं डायरेक्टली पूरा ही लिख दूँ क्या, 3t का स्क्वायर लिख दूं क्या, चलेगा सबको? ये देखो 1 का स्क्वायर और ये 3t का स्क्वायर है, समझ गए? अच्छा अब है ना यार, उसके अंदर फॉर्मूले में तो था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, तो 3 को हटाना है हमको, मतलब 9 को हटाना है हमको, तो क्यों ना ऐसा करें, पूरी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 9 से डिवाइड कर दें, या मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 9 जैसे आप बोलते हो, ठीक है, या 9 कॉमन निकाल लो, ठीक है। सो इधर से हो गया 1/3 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन, अभी 9 कॉमन निकाला, तो 9 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, 1/9 है ना, और माइनस टी स्क्वायर, चेक करो सही है कि नहीं है, ये सुनो, ये 1/27 बाहर कर दो, है ना, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन 1/3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब हम लगा सकते हैं हमारा फॉर्मूला, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स, क्या होता है 1/2a लॉग ऑफ मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, सही है, पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज पर सब, तो 1/27 तो कांस्टेंट पड़े रहने दो, 1/2a 1/2 इनटू a कितना है यहाँ पे 1/3, सो 1/3 चलेगा क्या, सही है, इनटू लॉग ऑफ मॉड एक्स ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स मतलब 1/3 प्लस टी अपॉन ए माइनस एक्स 1/3 माइनस टी प्लस सी, ठीक है। इसको बस अब सॉल्व करके ढंग से लिखेंगे, 3 से एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, 27 तो 9 बचा, 3 9 से 27, 9 2 से 18, सो 1/18 सही है, इधर से आ जाएगा लॉग, अब इसको आप सही कर लो, 1 प्लस 3 टी अपॉन 1 माइनस 3 टी, पुट द वैल्यू ऑफ टी नाउ, हमने टी को क्या लेट किया था एक्स क्यूब, पुट द वैल्यू ऑफ यहाँ पे, सो इधर से आंसर आया 1/18 लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस 3 एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 एक्स क्यूब प्लस सी, आंसर गॉट दिस, समझ आई ये बात, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 बोल रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, नाउ दिस इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर है, पहले इसको आपको डिविजन करना पड़ेगा, डिवाइड करते हैं हम लोग नॉर्मल लॉन्ग डिविजन मेथड से डिवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 डिवाइड करने के लिए इन हम ऐसे करते हैं ना, डिवाइड याद है आप लोगों को लॉन्ग डिविजन मेथड, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटर में और ऊपर है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, या देखो वैसे तो कई बार फैक्टराइजेशन से काम हो जाता है पर यहाँ पे फैक्टराइज होने का चांस भी नहीं दिख रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप फैक्टराइज भी नहीं कर सकते, सो इसको बेटर है आप लॉन्ग डिविजन मेथड से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स से मल्टीप्लाई करना रहेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस प्लस, ठीक है क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अब एक बार प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इधर से आ रहा है एक्स स्क्वायर और माइनस 1 माइनस प्लस, बचता क्या है
एक्स बच रहा है और प्लस टू बच रहा है, ये रिमाइंडर। माइनस एक्स कैसे आएगा मैम? वन इंटू वन, नहीं ये वाला साइन थोड़ी ना चेंज होगा, तो फर्स्ट फ्रैक्शन होता है इसमें से तो माइनस कर रहे हैं हम। आया नहीं आया? गॉट इट? नाउ इधर से क्या बचा? एक्स प्लस वन, डिविजन एक बार चेक करना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस करा, एक्स एक्स स्क्वायर बचा ना, सिर्फ इसी का ही साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो यहाँ से आ गया और प्लस वन, अब एक्स स्क्वायर चाहिए तो वो वन से करके आ जाएगा, तो वन से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर और माइनस वन, हम दोनों को माइनस करते हैं तो बचता क्या है? एक्स प्लस टू, सही तो है। ठीक है, अब डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आ रहा है चेक करो, इन ये आ रहा है एक्स क्यूब माइनस सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, नहीं प्लस वन ही था, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन कैन बी रिटर्न एज, देखो ऊपर क्या आया क्वेश्चन, एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, ठीक है, और फिर उसके बाद रिमाइंडर क्या आया था, एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, चेक करो यही है। अब क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस वन तो नॉर्मल इंटीग्रेट हो जाएगा, अब एक्स प्लस टू और एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या कर सकते हो, नीचे वाले को टी मान लिया तो फिर अलग अलग करके फिर टी मानो तो ठीक रहेगा, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन करके भी कर सकते हैं, एक्स प्लस टू को लिख लो एक्स प्लस वन माइनस वन, ठीक है। सो देखो इसको क्या कर सकती हूँ मैं, एक्स प्लस वन प्लस शी सेइंग करेक्ट, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है। अभी देख लो एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो ये तो क्या वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है क्या, तो ये हो जाएगा यहाँ से टू वन प्लस एक्स प्लस टू, सही लिखियो प्लस नहीं नहीं एक्स माइनस वन तो बचेगा ना, वन अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्स प्लस वन प्लस, अब तो आप नॉर्मल इंटीग्रेट ही करोगे, x माइनस वन का लॉग ऑफ मॉड x माइनस वन और ये ए स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया, चेक करो एक्स स्क्वायर माइनस वन जो है वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया ना, स्पेशल इंटीग्रल चेक कीजिए, सो एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, सही है, इंटीग्रेट कर देते हैं dx, सबको इंटीग्रेट करा तो आया एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स प्लस लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस वन प्लस वन बाय टू ए, ए यहाँ पे वन है तो हटा देती हूँ मैं, ए मतलब मल्टीप्लाई बाय वन करती है एक ही बात है, लॉग ऑफ मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, आंसर वॉट दिस, समझ आई ये बात पक्का, चले आगे। एक और तरीके से कर सकते थे आप, मतलब मैं इंस्टेड ऑफ ओपनिंग एक्स प्लस टू एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन, आप ऐसा भी कर सकते थे ना, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये तो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी लेफ्ट राइट वाला, तो और लेफ्ट वाले में एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी लेट कर लो तो टू एक्स डी एक्स डी टी हो गया, ऐसे भी हो जाता, ठीक है, तो उधर से भी आंसर सेम ही आता, ठीक है क्या, गॉट इट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन से पहले 16, एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर ना, नाउ दिस इज अ प्योर फंक्शन ऑफ बाईपार्ट्स, ठीक है, एक्स इंटू लॉग एक्स स्क्वायर, दो जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन देखे ज्यादातर बाईपार्ट्स ही रहता है आपका सोल्यूशन, सो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 16, आई इज इक्वल टू, इधर आई लेट कर लेना, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू लॉग एक्स स्क्वायर, अभी आपको बताया लॉग फंक्शन आते ही तो ये कहलाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और एक्स वाला कहलाएगा आपका सेकंड फंक्शन, सो दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमको आता है एक्स स्क्वायर बाय टू, करते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विच इज एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन टू लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक्स into integration of second which is x square by 2, हाँ है ना, dx, x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, माने why are you not solving the questions, देखने से थोड़ी ना याद होते हैं, tell me, maths is not newspaper reading,
ऐसे हो लिया तो फिर तो हो लिया, इधर से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, अब देखो क्या बचता है एक्स लॉग एक्स, चेक करो इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स, देखो एक एक्स से एक एक्स कटा, टू से टू कटा, एक्स लॉग एक्स बचा डीएक्स। अब फिर से बाईपास लगाओ क्योंकि एक्स लॉग एक्स फिर नहीं आता आपको, सो इसके अंदर जब आप बाईपास लगाओगे ना तो आपका जो दूसरा इंटीग्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, कुछ एल्जेब्रिक नंबर आ जाएगा। सो इधर से देखते हैं, ये तो आ रहा है एज इट इज एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट फंक्शन हो गया आपका लॉग एक्स, सेकेंड फंक्शन हो गया आपका एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स। सो नाउ फर्स्ट फंक्शन इन टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इन टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स। अब देखो हो गया सॉल्व, लॉग की प्रॉब्लम हट गई, एक्स बाय टू का बचा तो उसको हम नॉर्मल इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो करते हैं इसको एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स, सही लिखियो, माइनस एक्स बाय टू का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस सी, सॉरी डी एक्स लिख रही हूँ मैं, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस सी, ठीक है, गॉट इट। नाउ अब आप इसको रीअरेंज कर लेना यार, वन बाय फोर, या तो आप चाहो तो ये वन बाय फोर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना, अंदर बचता है टू टाइम्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स लॉग एक्स और प्लस वन और प्लस सी बाहर, सही कि नहीं है, रीअरेंज करना, टू कॉमन ले लेना, आपको अच्छा लगे तो टू कॉमन ले लिए, एक ही बात है, एक्स स्क्वायर बाय टू कॉमन ले लेना, गॉट इट। चले आगे, समझ आ गया क्वेश्चन, दो बार बाईपास लगाए यहाँ पे, इफ यू हैव नोटिस्ड, सो टू टाइम्स वी अप्लाइंग बाईपास एंड वी गेट द आंसर। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा वन बाय एक्स एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स लॉग एक्स इंटू ई की पावर एक्स, एंड देन वन बाय एक्स को अंदर इंटू किया तो लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस लॉग एक्स बाय एक्स, तो ये ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की प्रॉपर्टी बन जाएगी। देखिए शी सेइंग इट करेक्टली, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इंटीग्रेशन वन बाय एक्स, वन बाय एक्स एक्स इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स लॉग एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स। ये शायद थोड़ा सा ब्रैकेट का कोई मिस्टेक है, एक बड़ा ब्रैकेट नहीं आया है, हाँ नहीं आ गया, आ गया, सारे आ गए, हाँ वो बाहर वाले एक्चुअली बड़ा होना चाहिए था, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट लगाना चाहिए था, हाँ क्वेश्चन ये वाला, ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसलिए वो कन्फ्यूजन हो रहा था, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट, नाउ इधर से आप देखो जब अंदर ले गए ना वन बाय एक्स को तो इंटीग्रेशन लॉग एक्स स्क्वायर आया और प्लस टू लॉग एक्स बाय एक्स और बाहर ई की पावर एक्स है, ठीक है। अभी देखो अगर आप इसको एफ ऑफ एक्स मानते हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, टू लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स वन बाय एक्स, ठीक है, सो ये आ गया आपका एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, गॉट दिस, सो आंसर क्या हो गया ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी आंसर। इज इज क्लियर एवरीवन, हमने क्या किया एक्स को अंदर ले गए, ये वन बाय एक्स जो था ना इसको अंदर ले गए, अंदर ले गए तो ये वन बाय एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, अंदर बचा लॉग एक्स स्क्वायर, ये आ गया था, और प्लस ये टू लॉग एक्स अपॉन एक्स हो गया क्योंकि एक्स को अंदर ले गए, और ई की पार एक्स को ई की पार एक्स रहने दो, ठीक है। अब मान लो ये एफ ऑफ एक्स है, ये फंक्शन एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा टू टाइम्स लॉग एक्स चेन रूल के हिसाब से और लॉग एक्स का वन बाय एक्स, सो ये इसका एफ डैश एक्स आ गया, गॉट इट, सो ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स बन गया प्लस एफ डैश एक्स था तो आंसर आ गया ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाउ दीज आर ऑल मतलब इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन हैं, सो तीनों ही बहुत मस्त क्वेश्चन है और ईजी भी होते हैं और मार्क्स भी मिल जाते हैं ऐसा। सो गिवन है एफ डैश एक्स अगर फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स टू द पावर फोर है एंड एफ ऑफ टू जीरो है, फाइंड एफ ऑफ एक्स, सो एफ डैश एक्स दे रखा है तो उधर से एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, एफ ऑफ एक्स विल बी इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स, ठीक है,
और dx, so it will be integration f dash x कितना दे रखा है 4x cube minus 3x to the power 4 dx, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं, f of x की वैल्यू देखो क्या आई 4x cube, x to the power 4 minus minus plus हो जाएगा है ना, और 1 upon x की power 3 आ रहा है, चेक कर लो, ठीक है, अच्छा और plus c आएगा, पर साथ में कंडीशन क्या दे रखी है at x equal to 2 वैल्यू ऑफ फंक्शन इज जीरो, ठीक है, सो एक्स की वैल्यू टू पुट करते हैं और सी की वैल्यू निकाल लेंगे, सो जीरो इक्वल टू टू की पावर फोर 16 प्लस 1 बाय 8 प्लस सी, सो सी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 16 माइनस 1 बाय 8 माइनस 16 माइनस 1 बाय 8, सही है, बस इसके अंदर एलसीएम ले लो, 8 एलसीएम हो गया, 16 8 जा 128 माइनस 1 129 आ रहा है, सो माइनस 129 बाय 8. अब आपको f of x लिखना था, तो देखो f of x क्या हो गया, f of x ऊपर क्या आया था x to the power 4 plus 1 by x cube, x की power 4 plus 1 by x cube minus 129 by 8, आपको एक्चुअली कांस्टेंट कैलकुलेट करना था, ये 2 मार्क क्वेश्चन होता है जहाँ पे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज यूज की हमने. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 3 5 1 by x square dx, अगर k 5 1 by x square plus c है, then find the value of k, so इधर basic integration ही करना है आपको, question number 19, क्या दे रखा है, integration 5 1 by x square upon x cube दे रखा है, ये 1 by x square upon x cube, यही मतलब हुआ, dx is equal to k times 5 1 by x square plus c, 1 by x square को t मान लेते हैं, ठीक है, so अगर मैं 1 by x square को t लेट करती हूँ, तो minus 2 by x cube मेरा dx equal to dt हो जाएगा, so dx by x cube मेरा minus dt by 2 हो जाएगा, correct, put कर देते हैं यहाँ पे, so ये आ रहा है मेरा minus dt by 2, है ना, integration 5 की power t, check करो, इक्वल टू के टाइम्स 5 की पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये दे रखा है, अभी देखो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 5 की पावर टी अपॉन लॉग 5, सही है, और माइनस 1 बाय 2 ऑलरेडी था, तो माइनस 2 यहाँ ऑलरेडी है, प्लस सी इक्वल टू के 5 की पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस सी, देखो सी से सी तो कट गया, ठीक है, के 1 बाय एक्स स्क्वायर आ गया, अब कंपेयर कर लो, तो 1 बाय माइनस 2 लॉग 5 आपकी वैल्यू हो गई के की, यस और नो, चेक कीजिए, ऑन कंपेयरिंग वी गेट द आंसर, आ रहा है क्या, कृष्णा आया, डन एवरीवन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉड फंक्शन इन्वॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, इफ मॉड इंटीग्रेशन मॉड एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स मॉड एक्स प्लस सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, तो इसको तो आपको मॉड एक्स का हमको इंटीग्रेशन आता नहीं है, हमको क्या करना पड़ेगा, बाईपास करने पड़ेंगे, ठीक है, सो बाईपास करते हैं, बाईपास के लिए अब आप बोलोगे मैम एक और फंक्शन तो है ही नहीं, सो हियर वी टेक इट एज 1, राइट, तो करते हैं इंटीग्रेशन डिपेंडिंग अपॉन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट यू हैव टू सी, सो इसीलिए इसको बाईपास से सॉल्व कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे फिर, ठीक है, वो इक्वल आ जाएगा इंटीग्रेंट, ऐसे कैसे कर सकते हो, एक्स की वैल्यूज तो अलग अलग हैं, आप कंबाइन नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट कंबाइन दैट, ऐसे नहीं कर सकते, आप डोमेन ही चेंज कर रहे हो, फिर तो उसके बाद दोनों फंक्शंस को ऐड कर रहे हो, दो अलग अलग डोमेन्स में डिफाइंड फंक्शंस को थोड़े ना ऐड कर सकते हैं, समझे, गॉट इट, सो इधर से इसके अंदर 1 इनटू मॉड एक्स ले लेते हैं, सो फर्स्ट फंक्शन हो गया आपका मॉड एक्स और सेकंड फंक्शन हो गया 1, इसको आई नाम दे दो क्योंकि अल्टीमेटली दे विल गेट कैंसल्ड आउट, ठीक है, सो आई नाम दे दिया, इधर से देखो आई इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड व्हिच इज एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, व्हाट इज मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन टेल मी, मैंने सिखाया था एक्स अपॉन मॉड एक्स, वेरी नाइस, एक्स बाय मॉड एक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी एक्स, येस और नो, चेक कीजिए एक बार, डन
अभी देखो ऊपर एक्स स्क्वायर आ रहा, नीचे मॉड एक्स आ रहा है, अल्टीमेटली कैंसिल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मॉड एक्स ही, एक्स स्क्वायर और नीचे मॉड एक्स है. सो आपके पास आई इक्वल टू मॉड एक्स इंटू एक्स माइनस मॉड एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन. और ये कुछ नहीं, देखो आई था ऊपर, देखो आई है ये. सो ये आई हो गया, इधर ले जाओ टू आई इक्वल टू मॉड एक्स इंटू एक्स प्लस सी हो जाएगा लास्ट में, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाना पड़ेगा, सी वन ले दो. चलो हाँ, एक्स स्क्वायर बाय मॉड एक्स हो गया. अब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू, नीचे भी मॉड एक्स है, जब आप कैंसिल करोगे तो लेफ्ट ओनली विद मॉड एक्स, पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करेंगे. गॉट दैट? एक एक्स से एक एक्स कट गया ना, सो उधर से, सो ये सी वन नाम दे दिया. अब इधर से आई की वैल्यू देखो क्या आ गई, वन बाय टू मॉड एक्स इंटू एक्स प्लस सी वन बाय टू, विच इज अगेन अ कॉन्स्टेंट सी. ठीक है, अब ऑन कंपेयरिंग ये गिवन है, क्या दे रखा है, के टाइम्स मॉड एक्स इंटू एक्स प्लस सी. तो सी से सी कट गया, कंपेयर करो तो के की वैल्यू कितनी आई, हाफ. ठीक है, क्या इसमें बस एक यही कंसेप्चुअल पार्ट था आपका कि मॉड एक्स को आपको करना रहेगा. ठीक है, मॉड एक्स को हम इंटीग्रेट वैसे नहीं कर पाते हैं, बट बाय पास करेंगे तो अल्टीमेटली सॉल्व हो जाएगा. देखा आपने, ये सॉल्व भी हो गया वैसे भी. गॉट दिस? चले आगे क्वेश्चन नंबर. अब एक आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत आसान सा केस बेस्ड क्वेश्चन है, जो e की पावर x f डैश x प्लस f ऑफ x की प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है. सो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21. इसके अंदर आपके पास अलग अलग पार्ट्स हैं, पांच पार्ट्स दे रखे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये बेसिक है वैसे तो, पर ये वाले क्वेश्चन जब भी अंडर रूट नीचे होते हैं तो इनको रैशनलाइजेशन से काम हो जाता है. सो इसको रैशनलाइज करोगे ना तो क्या आ रहा है, देखो क्वेश्चन 21 का फर्स्ट पार्ट, रैशनलाइज करोगे तो अंडर रूट में 3x प्लस 4 प्लस रूट 3x प्लस 1 अपॉन नीचे आ जाएगा 3x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 1. सही है, ओपन करो इसको, क्या आ रहा है, रूट 3x प्लस 4 प्लस रूट 3x प्लस 1 और नीचे देखो क्या आ रहा है, देखो 3x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 4 माइनस 1 3. चेक करो, अब नॉर्मल इंटीग्रेशन है, टू द पावर हाफ हाफ है, उसकी पावर हो जाएगी 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2, करेक्ट. सो 1 बाय 3 कॉमन ले लो, अंदर देखो क्या बचता है, 3x प्लस 4 की पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 प्लस, और x का कोएफिशिएंट भी मल्टीप्लाई में होगा 3, 3x प्लस 1 की पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 बाय 2 इंटू x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया और प्लस सी. चेक कर लो आपका कौन सा ऑप्शन बेटर है. ये 3 बाय 2 इंटू तो 9 बाय 2 हो रहा है, तो 9 आ रहा है, 2 बाय 27 कॉमन में आ जाएगा. देखो कोई है क्या ऐसा 2 बाय 27, सारे 2 बाय 27 वाले हैं. फिर 3x प्लस 4 टू द पावर 3 बाय 2 प्लस 3x प्लस 1 टू द पावर 3 बाय 2 है. चेक कर लो कौन सा ऑप्शन बेटर है, डी फॉर डॉग वाला. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सेकेंड पार्ट है इसका, 2x log x प्लस 1 बाय x, ये सीधा सीधा है, f of x प्लस f dash x, ये f of x और ये f dash x, so e की पावर x log x प्लस c, डायरेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन आई टोल्ड यू ऐसे वाले क्वेश्चन को रैशनलाइज कीजिए. रैशनलाइज करते हैं इस क्वेश्चन को, रैशनलाइज करने पर क्या मिल रहा है, चेक करते हैं थर्ड पार्ट. रैशनलाइज करने पर मिल रहा है आपको 1 माइनस 2x माइनस अंडर रूट सॉरी माइनस 3 माइनस 2x अपॉन 1 माइनस 2x माइनस 3 माइनस 2x. ओपन करोगे रूट 1 माइनस 2x माइनस रूट 3 माइनस 2x अपॉन नीचे बचता है 1 माइनस 2x माइनस 3 प्लस 2x. माइनस 2 बचता है, ऐसा करती हूँ माइनस 2 माइनस हाफ कॉमन ले लिया, अंदर बच रहा है रूट 1 माइनस 2x माइनस रूट 3 माइनस 2x. अगेन टू द पावर हाफ और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे. सो इधर से आ रहा है माइनस हाफ 1 माइनस 2x टू द पावर 3 बाय 2 अपॉन माइनस 2 इंटू 3 बाय 2. सही है, माइनस 3 माइनस 2x टू द पावर 3 बाय 2 अपॉन माइनस 2x x का कोएफिशिएंट इंटू 3 बाय 2. चेक करो सही है कि नहीं है. ठीक है, 2 से 2 तो कट ही जाएगा वैसे भी यहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है, अंदर बचता है माइनस हाफ, अंदर देखिए माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x टू द पावर 3 बाय 2 अपॉन 3 और ये हो रहा है माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 2x टू द पावर 3 बाय 2 अपॉन 3.
थ्री, ऐसा करो कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो ये वाला तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, सो वन माइनस टू एक्स टू द पावर थ्री बाय टू अपॉन सिक्स माइनस थ्री माइनस टू एक्स टू द पावर थ्री बाय टू अपॉन सिक्स प्लस सी, या वन बाय सिक्स कॉम, प्लस कैसे होगा, ये माइनस है ना, माइनस हाफ बाहर है, ये माइनस हाफ को मैं अंदर ले गई, चलेंगे, समझ आया? अच्छा ये सिक्स, वन बाय सिक्स दे रखा है ना, अलग अलग ही दे रखा है, सो ऑप्शन नंबर सी आपका सेटिस्फाई करा, देखो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर, अब ये भी ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स ही है। अच्छा इसमें तो फिर आपको लेट करके करना पड़ेगा, कैसे करते हैं लेट, इसमें ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा लॉग एक्स को टी लेट कर लो, काम हो जाएगा आपका। देखो कैसे, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अभी ये है नहीं ई टू द पावर एक्स के फॉर्म में, पर हम इसको लेके आ सकते हैं, कैसे, इंटीग्रेशन वन बाय लॉग एक्स माइनस वन बाय लॉग एक्स का स्क्वायर है ना, और फिर लास्ट में डी एक्स ही रखा है, सो लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, तो वन बाय, हाँ, वन बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, करेक्ट, तो डी एक्स की वैल्यू देखो क्या आई, एक्स डी टी, चेक करो, और एक्स को क्या लिख सकते हो, ई की पावर टी, चेक करो, लॉग एक्स बराबर टी है, तो एक्स को लिख सकते हो ना ई की पावर टी, तो इधर मैं इसको ई की पावर टी लिख दू, डी एक्स इक्वल टू ई की पावर टी डी टी, चेक करो, आ गया मेरा ई की पावर टी, वही तो नहीं था, इंटीग्रेशन वन बाय टी माइनस वन बाय टी स्क्वायर e टू द पावर t dt, चेक करो, हो गया e टू द पावर t f ऑफ x प्लस f डैश x, बन गया f ऑफ x क्या हो गया 1 बाय t, और f डैश x क्या हो गया माइनस 1 बाय t स्क्वायर, तो इधर से आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर t इंटू 1 बाय t प्लस c, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, e की पावर t कितना हो गया x अपॉन 1 बाय t कितना हो गया log x प्लस सी, सो एक्स बाय लॉग एक्स प्लस सी विल बी द आंसर, गॉट दिस, समझ आया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ तो इजी है आई थिंक, क्या है फिफ्थ पार्ट, ये रहा, ये तो है यार इजी, इसमें तो कुछ नहीं है, वन बाय एक्स स्क्वायर टी लेट, एफ ऑफ एक्स लेट कर लो, ये एफ डैश एक्स है, सो आंसर इज ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है बी ऑप्शन, करेक्ट, समझ आया ये चीज पक्का, एवरी वन इज इज क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, पक्का, चलें आगे, नाउ मूविंग अहेड, हम लोग आगे चलते हैं, दिस कंप्लीट्स योर इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, हम लोगों ने इनडेफिनेट रिलेटेड सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए, नाउ वी विल स्टार्ट विथ डेफिनेट इंटीग्रल्स। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय डेफिनेट इंटीग्रल्स, या कैसे रिकग्नाइज करते हो, लिमिट होती है, यहाँ पे क्या जनरल सोल्यूशन आंसर आता है, प्लस सी आता है ना, इसका मतलब जनरल वैल्यू, आप सी को वैल्यू वेरी करो, नया फंक्शन आ जाएगा, पर जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात करते हैं। अच्छा वैसे डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, द एरिया अंडर द कर्व विद इन अ पर्टिकुलर लिमिट, इसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, या उसका इंटरप्रिटेशन ये होता है डेफिनेट इंटीग्रल का। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस द वेरियस थिंग्स अबाउट डेफिनेट इंटीग्रल्स, सो डेफिनेट इंटीग्रेशन, सो ज्योमेट्रिकली अगर बात करूं तो डेफिनेट इंटीग्रल्स, या पहले मैथमेटिकली इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं या एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज बेसिकली इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व एफ ऑफ एक्स फ्रॉम लिमिट्स दे दी एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, करेक्ट, ये हमारी लिमिट्स होती हैं, ठीक है। नाउ इसको अगर मैं आपको ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली एक्सप्रेस करूं ना, तो ये मेरा कर्व है, दिस इज लेट्स से माय कर्व, दिस इज एक्स इक्वल टू ए एंड सॉरी एक्स इक्वल टू ए एंड दिस इज एक्स इक्वल टू बी, देन वी से, और ये आपका वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, देन वी से इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दिस एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। अच्छा लिमिट कर रही हूँ, अगर पॉजिटिव एरिया की बात करें तो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर का और फिर अदरवाइज नीचे भी जाएगा, ठीक है, दिस गिव्स यू द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, अगर आप इंटीग्रेशन की बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, इसीलिए कई बार डेफिनेट इंटीग्रल को पता है एरिया फंक्शन भी बोला जाता है, समटाइम्स डेफिनेट इंटीग्रल इज ऑल्सो नोन एज एरिया फंक्शन, राइट। चलें आगे ना क्वेश्चन, आगे हम लोग इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं।
अच्छा ये आपको पता है लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है, ये फंडामेंटल थ्योरम होती है एरिया थ्योरम, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। सेकंड थ्योरम की बात करते हैं, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, अगर एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन मान लेते हैं फाई एक्स है, मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स, मान लेते हैं वो इंटीग्रेट करने पर फाई एक्स आ रही है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिख लो, ऐसा कर लो कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिख लो, हम लोग वही लिख रहे थे, सो कैपिटल एफ ऑफ एक्स। देन वी से अगर डेफिनेट इंटीग्रल डिफाइन है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ये सुनो चेक कीजिए, हम लोग पहले इंटीग्रेट करेंगे फिर वैल्यू ऑफ इंटीग्रल या प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव एट बी मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। नाउ देयर आर सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स की यूज करते हैं और हम लोग उसी से ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सम क्वेश्चन आर सच कि जिनको आप डायरेक्टली इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी लगाओ और काम हो जाता है, सो दोज क्वेश्चन लेट्स डिस्कस द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। सो प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आप उसको जीरोथ प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, पहली नहीं बोलते उसको जीरोथ प्रॉपर्टी बोलते हैं, अगर आप वेरिएबल को चेंज कर दो तो भी डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब प्रॉपर्टीज, सबसे जीरोथ प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी पी जीरो बोलते हैं इसको, ठीक है, जीरोथ प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी, सो इवन इफ यू चेंज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल विल नॉट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ यू इंटरचेंज द लिमिट्स द साइन ऑफ द इंटीग्रल विल इंटरचेंज और विल चेंज और विल रिवर्स, वी से सो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज माइनस ऑफ बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर हमारी इंटरवेल को मल्टीपल इंटरवेल्स में स्प्लिट कर सकते हैं, कहने का मतलब ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को आप पहले ए टू सी कर लो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, फिर आप C टू B कर लो, ऐसे आप मल्टीपल में भी कर सकते हो, A टू C वन, C वन टू B, C टू C टू टू C थ्री एंड सो ऑन, अल्टीमेटली लास्ट में आपको B ही लेके आना होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, सही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन A टू B एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A टू B एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इसका क्या मतलब हुआ, दोनों लिमिट्स को ऐड करो एंड देन सब्ट्रैक्ट एक्स फ्रॉम इट, यू विल गेट द सेम इंटीग्रल वैल्यू। सिमिलरली इसी का ही एक वेरिएशन आता है फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज जीरो टू ए, सो जब जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है ना तो इसका मतलब भी सेम ही होता है ए प्लस जीरो माइनस एक्स, सो दिस विल बी जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स प्लस डी एक्स प्लस प्लस सी, लगाने की जरूरत नहीं लास्ट में, तुम ही लगा लेना, ठीक है क्या। नेक्स्ट नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, नेक्स्ट बताएंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, जीरो टू टू ए, याद है भूल गए, जीरो टू टू ए अगर होता है एफ ऑफ एक्स डी एक्स देन इट इज इक्वल टू, नहीं किसी को नहीं आती, जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स, भूल गए, ये वैसे कम भी यूज आती है तो इसलिए यूज आपको इतना याद भी नहीं रहेगी, ये यूज बहुत कम आती है, वी रेयरली यूज इट, कहीं भी नहीं आती, नहीं ऐसा नहीं है, बट वी डू नॉट यूज इट, यूज तो आती है बट हम नहीं यूज करते ज्यादा, ठीक है। सो वी कैन स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स, जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड जीरो टू ए एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। नेक्स्ट आती है आपकी पीरियोडिक फंक्शन की, सो इंटीग्रेशन जीरो टू टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, नाउ सी इट इज इक्वल टू टू टाइम्स इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या तो ऐसा हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये सीधा सीधा आपका वैल्यू क्या हो गया, टू टाइम्स, चेक भी कर लो अगर ऊपर वाली प्रॉपर्टी में अगर वो वैल्यू सेम एज फर्स्ट वैल्यू आ गई तो सिंपली टू टाइम्स हो जाएगा, पर अगर ये इसका रिवर्स आ गई तो जीरो हो जाएगा, मतलब इफ एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स,
अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आ गई तो फिर उस केस में क्या होगा, वो माइनस हो जाएगी और प्लस कैंसिल हो गया, आंसर इज जीरो. सो यू गेट जीरो हियर. मैक्सिमम ऑफ योर क्वेश्चंस विल गेट सॉल्व बाय दीज प्रॉपर्टीज, राइट? नॉट दिस, दीज प्रॉपर्टीज, ऑल ऑफ देम, राइट? नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेवंथ प्रॉपर्टी, ऑड इवन फंक्शन. नाउ बिफोर वी से अबाउट ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन, व्हाट डू वी मीन बाय एन इवन फंक्शन? इवन फंक्शन कब कहलाता है? व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. मतलब अगर आप एक्स को माइनस एक्स से भी रिप्लेस कर दो तो भी आपका फंक्शन सेम रहता है. जैसे कि एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में अगर आप एक्स को माइनस एक्स से कर दो, माइनस एक्स का स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर होता है. एंड ऑड फंक्शन क्या कहलाएगा? इसका रिवर्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स. हाँ है ना? जैसे कि क्यूब, एक्स क्यूब को अगर आप माइनस एक्स क्यूब बनाते हो तो वो माइनस ऑफ एक्स क्यूब हो जाता है, करेक्ट? यस और नो? चले आगे. सो यहीं से हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ऑड इवन फंक्शन वाली. ये क्या कहती है? इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, दो केसेस बनेंगे इसमें भी, टू टाइम्स जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन. इवन इन द सेंस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है? एंड जीरो इफ एफ इज एफ ऑफ एक्स इज ऑड. If it is an odd function, then the value will come out to be zero, right? समझ आई बात? This is ऊपर चलो क्या? These are the properties of odd and even function. Now moving ahead, आगे चलते हैं. Next question. अब हम लोग ये सारी properties हमारी definite integrals की हैं. हम लोग अब है ना इस पे based questions solve करेंगे. Definite integrals में मेहनत बहुत कम होती है. Property लगते ही question आधा solve हो जाता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस देखते हैं. विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड. अब यार देखो, मॉड फंक्शंस की बात करें तो 1 टू 4 लिमिट में मॉड फंक्शन मॉड x माइनस 5 हमेशा नेगेटिव रहेगा. चेक करो, यस और नो? चेक कीजिए. हाँ है ना? सो इधर से क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं बात करूं तो इट विल बी 1 टू 4 माइनस ऑफ एक्स माइनस फाइव डी एक्स. हाँ या ना? क्योंकि मॉड एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो. सो ये ऐसा हो जाएगा. अब बस कुछ नहीं है, नॉर्मल साइन ही है. सो इंटीग्रेशन 1 टू 4 माइनस एक्स प्लस फाइव डी एक्स. नॉर्मल इंटीग्रेट करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 एक्स फ्रॉम 1 टू 4. वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, x की वैल्यू पहले 4 पुट करेंगे और फिर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे. सो माइनस 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 प्लस 5 4 आर 20 माइनस माइनस 1 बाय 2 प्लस 5. हाँ है ना? आंसर कितना आया? 15 बाय 2. ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है. क्वेश्चन कह रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग. यू हैव टू यूज योर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन एज वेल एज द वेरियस मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन, एंड हेंस सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन बोल रहा है इंटीग्रेशन 1 टू 2 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर. बहुत आसान है. पहले तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, आप इसको डिवाइड कीजिए. सो जब ऐसा होता है ना, सिंपल डिवाइड कर लेंगे. क्वेश्चन 2, इंटीग्रेशन 1 टू 2 एक्स क्यूब, सो एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स. बहुत आसान हो गया. अब ये इंटीग्रेशन 1 टू 2 एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब सिंपल है, एक्स की पावर्स का ये फंक्शन पूरा. तो इधर से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1. तो ये हो जाएगा प्लस 1 बाय एक्स 1 बाय 2 1 टू 2. तो 2 पुट कर लेते, पहले 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 2 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 और प्लस 1. सही है, 2 माइनस 1 आंसर इज 1. चेक करो. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 अगेन मॉड एक्स फंक्शन है. सो माइनस 1 टू 2 तो आप देख सकते हो माइनस 1 से 0 मॉड एक्स नेगेटिव आएगा. हाँ जी, क्या? माइनस 1 टू 0 आपका मॉड एक्स नेगेटिव आएगा और 0 टू 2 मॉड एक्स आपका पॉजिटिव आएगा. सो अकॉर्डिंगली वील डिसाइड अ क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 3, माइनस 1 टू 2 मॉड एक्स बाय एक्स डी एक्स. अब देखो इसको स्प्लिट कर लो, माइनस 1 टू 0 ये हमारी प्रॉपर्टी यूज करी हमने, ठीक है? अच्छा, माइनस 1 टू 0 नेगेटिव होगा तो माइनस एक्स अपॉन एक्स. सो माइनस 1 प्लस 0 टू 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स.
वन डी एक्स, हाँ या ना चेक करो. दीज आर ऑल वन मार्क क्वेश्चन, ये जो अभी हमने करे दोनों तीनों वन वन मार्क क्वेश्चन है. माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स, सॉरी माइनस वन का इंटीग्रेशन माइनस एक्स, माइनस वन टू जीरो प्लस एक्स जीरो टू टू. पुट कर देते हैं लिमिट्स. पहले जीरो पुट करेंगे, जीरो माइनस ऑफ माइनस वन प्लस टू माइनस जीरो, दिस गिव्स यू वन प्लस टू विच इज थ्री. आंसर गॉट इट? नहीं, माइनस ऑफ माइनस एक्स आ रहा है ना, तो माइनस माइनस प्लस वन हो गया, ये माइनस वन प्लस टू. ठीक है क्या? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन फोर कह रहा है जीरो टू वन लॉग वन बाय एक्स माइनस वन. ठंड लग रही है तो प्लीज एसी ऑफ कर लीजिए अगर आपको ठंड लग रही है तो. नाउ क्वेश्चन बोल रहा है जीरो टू वन लॉग ऑफ वन बाय एक्स माइनस वन. हाँ जी, ये वाले क्वेश्चन को हमेशा वन माइनस इसका एलसीएम ले लीजिए आप लोग. सो एलसीएम मैं इसको आई नाम दे रही हूँ, मेरे इंटीग्रल को इसको इक्वल टू आई इधर लिखी हूँ, ठीक है चलेगा. आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन लॉग ऑफ वन माइनस एक्स बाय एक्स, सही है. नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी जीरो टू ए ए माइनस एक्स वाली है ना, तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स, तो अभी एक और हम इसको रिप्लेस कर देते हैं ए माइनस एक्स से. सो आई इक्वल टू ए माइनस एक्स क्या होगा, वन माइनस एक्स, राइट. सो इंटीग्रेशन जीरो टू वन लॉग ऑफ एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं वन माइनस एक्स से. सो वन माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, येस और नो चेक कीजिए. ये देखो ऐसा नहीं आ रहा, जीरो टू वन लॉग ऑफ क्या आया, वन माइनस वन एक्स, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, चेक करो. और इसको क्या आप ऐसा लिख सकते हो, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन लॉग ऑफ इनवर्स है ये एक्चुअली, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ वन माइनस एक्स बाय एक्स की पावर माइनस वन. और क्या मैं इसका माइनस वन को आगे ले आऊं, तो माइनस जीरो टू वन लॉग ऑफ वन माइनस एक्स बाय एक्स. और ये देखिए ये मेरा आई है, ऊपर जाके देख लो, ये मेरा आई है, दिस इज आई और वो भी आई आ गया, पर वो माइनस आई आया है. सो आई इक्वल टू माइनस आई, सो टू आई इक्वल टू जीरो, आई विल बी इक्वल टू जीरो. यूजिंग प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो हमने कुछ भी नहीं इंटीग्रेट किया, सीधा सीधा बस प्रॉपर्टीज यूज करी, इंटीग्रेशन तो करा ही नहीं एक भी क्वेश्चन में. एंड वी गॉट द आंसर. हाँ, एक्स को मैंने हर एक्स को वन माइनस एक्स से रिप्लेस किया, वन माइनस एक्स था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया वन माइनस एक्स, अपॉन नीचे एक्स था उसको क्या लिख दिया वन माइनस एक्स, समझे. अब इसको ओपन करा तो वन माइनस वन प्लस एक्स, तो ऊपर आ गया एक्स और नीचे वन माइनस एक्स एज इट इज, क्योंकि प्रॉपर्टी है ना जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है. सो उसी से रिप्लेस किया, जरूरत ही नहीं होती, मैक्सिमम डेफिनेट इंटीग्रल्स में जरूरत नहीं होती है, मैक्सिमम ऑफ देम दे आर सॉल्व यूजिंग डेफिनेट प्रॉपर्टीज ओनली. सो आप अभी देखोगे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमको जरूरत ही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फिफ्थ. डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स वेयर इट वेरीज फ्रॉम ई टू ई, राइट. क्वेश्चन नंबर फाइव बताएंगे कैसे करेंगे इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एक्स लॉग एक्स. हाँ जी, वन अपॉन एक्स को टी लेके करोगे तो माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी होएगा, वेरी नाइस. लॉग एक्स इक्वल टू टी, तो वन बाय एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. इधर से डी एक्स की वैल्यू देखो क्या आई, अच्छा वन बाय एक्स डी एक्स तो डी टी आ ही गया, छोड़ो ये तो आ ही गया हमारे पास. अब हमको पता है क्या, हमारी लिमिट्स को भी चेंज करना होता है, तो यहाँ लिमिट्स क्या थी ई टू ई स्क्वायर, राइट. अब देखो इधर आपको चेक करना होता है, जब आप सब्सटीट्यूशन कर रहे हो ना आपको अपनी वैल्यूज को भी सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा. नाउ व्हेन एक्स इज ई, सो पहली थी एक्स इज ई, तो टी की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी लॉग ई विच इज वन, टी इज लॉग एक्स, एक्स की वैल्यू ई हो गई तो लॉग ई क्या होता है वन, ठीक है. और जब एक्स इक्वल टू ई स्क्वायर है तो टी हो जाएगा टू, चेक करो लॉग ई स्क्वायर टू लॉग ई, टू लॉग ई इज टू इंटू वन, टू. गॉट इट? हमारा ये पूरा चेंज हो गया, देखो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन वन टू टू डी एक्स बाय एक्स हो गया डी टी अपॉन टी. अब तो बहुत आसान है,
वन बाय टी लॉग ऑफ मॉड टी, लॉग ऑफ मॉड टी फ्रॉम वन टू टू, लॉग टू माइनस लॉग वन, लॉग वन तो जीरो ही होता है, लॉग टू आंसर। प्लस सी लगाते ही नहीं है डेफिनेट इंटीग्रल में क्योंकि सी सी कैंसिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन सिक्स कह रहा है यू हैव इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स लॉग वन प्लस टू एक्स डी एक्स। नाउ दिस हाउ विल यू सॉल्व, अगेन इट इज बाय पार्ट्स वाला क्वेश्चन। जब भी ऐसा होता है एल्जेब्रिक फंक्शन विद लॉगरिथमिक फंक्शन आपका जनरली बाय पार्ट्स से ही सॉल्व होएगा। सो क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन सिक्स इंटीग्रेशन एक्स लॉग वन प्लस टू एक्स डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन हो गया आपका लॉग, सेकेंड फंक्शन हो गया एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू। इसको मान लेते हैं आई है हमारा, लेट्स कीप दिस एज आई, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन बाय वन प्लस टू एक्स इंटू टू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर बाय टू डी एक्स। हाँ या ना चेक करो। अच्छा बाहर में पूरे में चलेगा ये, क्या था लिमिट्स क्या दे रखी थी, जीरो टू वन, जीरो टू वन तो चलती रहेगी, ठीक है। अब देखो अंदर क्या आ रहा है, इधर तो बचेगा आई इक्वल टू लॉग वन प्लस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस, एक टू से एक टू कट गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस टू एक्स बच रहा है और डी एक्स, और ये हो गया जीरो टू वन। अब बताओ अंदर वाला कैसे सॉल्व करूंगी, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस टू एक्स को कैसे सॉल्व करूंगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले तो प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवाइड करके आंसर लियाओ, टू एक्स प्लस वन से डिवाइड करो एक्स स्क्वायर को। क्या हुआ, कहाँ पे दिक्कत हुई, गॉट इट, करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो पहले डिवाइड ही कर लेती हूँ, नॉर्मल डिवीजन, डिवीजन एक्स स्क्वायर और टू एक्स प्लस वन। सो किससे मल्टीप्लाई करूँगी इसको, हाफ, हाफ से करूँगी ना, हाफ एक्स, हाफ एक्स से आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस हाफ एक्स माइनस माइनस कितना है माइनस हाफ एक्स। अब मुझे चाहिए यहाँ पे कितना माइनस हाफ एक्स और है कितना टू, तो प्लस वन माइनस वन बाय फोर से करूँ, माइनस वन बाय फोर से किया टू एक्स को, तो हाँ माइनस वन बाय फोर इंटू टू एक्स करोगे तो माइनस हाफ एक्स और माइनस वन बाय फोर प्लस प्लस वन बाय फोर आपका रिमाइंडर रहता है। सो सॉल्व करेंगे इसको, अब इसको लिख लेते हैं पहले एक बार, कितना आया था हाफ एक्स माइनस वन बाय फोर और प्लस वन बाय फोर अपॉन रिमाइंडर कितना बचा टू एक्स, क्या था डिविडेंड टू एक्स प्लस वन हो गया। अब तो सॉल्व लॉग ऑफ मॉड जाएगा ये तो, ठीक है। सो इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, इधर से क्या आया था आई इक्वल टू क्या आ रहा था लॉग ऑफ वन प्लस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय टू, फिर क्या आ रहा था ऊपर, फिर इंटीग्रेशन आ रहा था है ना, तो मैं सही था इंटीग्रेट करके लिख रही हूँ अब माइनस हाफ एक्स को, तो कितना हो गया माइनस हाफ एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू, हाफ तो फोर हो जाएगा, सही लिखी हूँ। फिर है माइनस वन बाय फोर, तो माइनस वन बाय फोर का एक्स बाय फोर, फिर देखो ऊपर आ रहा है वन बाय फोर तो कांस्टेंट आ गया बाहर, सो प्लस वन बाय फोर लॉग ऑफ मॉड टू एक्स प्लस वन और फिर टू एक्स प्लस वन का एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड में जाएगा टू, गॉट दिस। और इधर से क्या हो गया जीरो टू वन चल रहा था, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज तो करना रहेगा आपको, सो करते हैं एक्स स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ वन प्लस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस एक्स बाय फोर और ये हो जाएगा प्लस नहीं माइनस सॉरी माइनस वन बाय एट लॉग ऑफ मॉड टू एक्स प्लस वन, ये जीरो टू वन। अब करते हैं इसको, पहले वन पुट करेंगे फिर जीरो पुट करेंगे, तो पहले वन पुट किया तो वन बाय टू लॉग ऑफ एक्स टू प्लस वन थ्री, वन बाय टू लॉग थ्री सही लिखियो, माइनस वन पुट किया वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर माइनस वन बाय एट लॉग ऑफ थ्री, वापस से
अब माइनस जीरो वाली वैल्यू पुट करते हैं, जीरो तो पहला वाला तो जीरो, माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस वन बाय एट, नहीं लॉग वन जीरो ही होगा, पूरा ही जीरो हो रहा है, तो इधर इधर का ही बच रहा है, वन बाय फोर से वन बाय फोर कट गया, वन बाय टू लॉग थ्री एंड माइनस वन बाय एट लॉग थ्री, एलसीएम ले लो एट, टू की टेबल में फोर माइनस वन लॉग थ्री, आंसर इज थ्री बाय एट लॉग थ्री। पूरा का पूरा क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का था, अल्टीमेटली आपको लास्ट में वैल्यूज पुट करनी है। गॉट इट, समझ आया क्वेश्चन पक्का एवरीवन? सो दिस वाज अ प्योर इंटीग्रेशन क्वेश्चन, जहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं यूज किया हमने, इनडेफिनेट ही यूज किया है, डेफिनेट तो बस लास्ट में जाके वैल्यू पुट करिए, बाकी कोई फायदा नहीं था। पूरा दिखाऊं, और ऊपर बाईपास किया, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया था तो उसको लॉन्ग डिविजन से पहले हमने डिवाइड कर लिया, ठीक है। नाउ वंस यू हैव डिवाइडेड यू हैव अ सिंप्लीफाइड वैल्यू, सिंप्लीफाइड वैल्यू आने के बाद आपने इसको नॉर्मल इंटीग्रेट किया है। अब देखो इस क्वेश्चन की ब्यूटी देखो, इसने बाईपास यूज किया है, इसने आपका लॉन्ग डिविजन मेथड सब्सटीट्यूशन वाला कंसेप्ट यूज किया है, फिर उसने इसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की भी प्रॉपर्टीज यूज किया, समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेवेंथ, फोर टू नाइन, और ये रूट एक्स अपॉन थर्टी माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू का स्क्वायर। हाँ भाई कैसे करेंगे, मुझे तो थोड़ा सा आइडिया दे दो, मेरे को ऐसे आंसर नहीं है। सब्सटीट्यूशन से ही होएगा, पहले सोचो क्या करेंगे, फोर नाइन रूट एक्स अपॉन थर्टी माइनस एक्स की पावर थ्री बाई टू का स्क्वायर डी एक्स। हाँ जी, थ्री बाय टू को ले लूँ क्योंकि फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, थ्री बाय टू एक्स की पावर हाफ, ठीक है। सो इसीलिए डिनोमिनेटर जो है ना, एक थर्टी माइनस एक्स की पावर थ्री बाय टू, इसको मैं लेट कर लेती हूँ टी, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस थ्री बाय टू एक्स की पावर हाफ डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देखो रूट एक्स डी एक्स आपके पास है, ये हो जाएगा माइनस टू बाय थ्री डी टी। सब्सटीट्यूट कर देते हैं इधर वैल्यूज को। अच्छा एक और चीज़ का ध्यान रखना, एक्स की वैल्यू जब फोर है तो t क्या हो जाएगा, देखो x 4 है, 4 का अंडर रूट 2 का क्यूब 8, 22, और जब x की वैल्यू 9 आ रही है तो चेक करो 27, 3 आ रहा है, सही लिखी हूँ क्या, चेक कर लो, हम लोग लिमिट्स लगा देंगे यहाँ पे। सो इंटीग्रेशन 22 टू 3 रूट एक्स डी एक्स हो गया आपका माइनस टू बाय थ्री, माइनस टू बाय थ्री डी टी, है ना। और ये नीचे क्या आ गया, टी स्क्वायर, चेक करो, अब तो नॉर्मल है टी की पार माइनस टू जैसा इंटीग्रेशन, सो ये हो जाएगा माइनस टू बाय थ्री तो बाहर, इंटीग्रेशन 22 टू 3 टी की पार माइनस टू डी टी, माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस वन, सो ये हो जाएगा माइनस टू बाय थ्री टी की पार माइनस वन अपॉन माइनस वन फ्रॉम 22 टू 3। ऐसा करते हैं माइनस साइन बाहर ले जाते हैं, सो ये हो जाएगा आपका 2 बाय 3 1 बाय टी 22 टू 3, कर लो 2 बाय 3 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 22। एलसीएम एलसीएम ले लो और सॉल्व कर लो, क्या आंसर आ रहा है बता दो, 22 और 3 का एलसीएम 66 ही आएगा, 19 अपॉन 66, 19 बाय 66 तो ये आ रहा है, इंटू 2 भी तो करोगे, कैंसिल कर लो ना, 19 अपॉन 99 बाय 99 आ रहा है, चेक कर लो, ठीक है क्या। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर एक्स। अब ये वाला ही प्रॉपर्टी, ये वाली आप प्रॉपर्टीज से करोगे, e की पावर माइनस एक्स है, प्रॉपर्टीज से करिए इसको, यूज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन 0 टू 1 e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो प्रॉपर्टी से भी नहीं होएगा मेरे हिसाब से, अपॉन मतलब वो ई की पावर माइनस एक्स को 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिखना चाह रहे हैं, हाँ वही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी से भी नहीं होता दिख रहा है मुझे तो, क्योंकि प्रॉपर्टी 0 टू 1 दे रखा है, तो 0 टू 1 में तो आपको करना ही रहेगा, 1 माइनस एक्स लिखोगे तो फिर 1 माइनस एक्स फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, सो इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं,
कैसे लेंगे, किसको लें, वन प्लस ई की पावर एक्स को टी ले लें। तो इसको पहले तो ढंग से लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन वन अपॉन ई की पावर एक्स इंटू वन प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स, है ना, यही है। अभी क्या लेट करूं, लेट वन प्लस ई की पावर एक्स को टी लेट करूं, या ई की पावर एक्स को टी लेट कर लूँ ना, वन प्लस वो बात तो बराबर है, टी माइनस वन लिखना पड़ेगा, वन प्लस टी लिखो, एक ही बात है। ई की पावर एक्स इक्वल टू टी लिख देती हूँ मैं, तो ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, करेक्ट। सो इधर से क्या आ गया, डी एक्स इक्वल टू डी टी बाय ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स क्या है, टी, सो डी एक्स डी टी बाय टी, सही लिखी हूँ। अभी देखो इसमें लिमिट्स क्या थी, जीरो टू वन ना, तो अब देख लो x की वैल्यू जब जीरो है, when x is zero, t is one, e की पावर जीरो इज वन, एंड when x is one, e, t is e, पुट कर देते हैं यहाँ पे सारी वैल्यूज। अब देखो क्या आ रहा था, जीरो टू e, है ना, और वन बाय e की पावर x नहीं, डी टी अपॉन टी, डी टी बाय, ये तो हो गया t, फिर वन प्लस टी, और फिर डी टी बाय टी भी आएगा, टी स्क्वायर इंटू वन प्लस टी बन रहा है। देखो एक तो डी टी डी एक्स के और रिप्लेस किया डी टी बाई टी से, तो वो डी टी बाई टी आया, एक ई टू द पावर एक्स पहले टी लिखा और वन प्लस टी लिखा, वन टू ई, अच्छा वन टू ई लिखा था, ओके। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, अगेन टी स्क्वायर और टी प्लस वन, दो फैक्टर्स, तीन फैक्टर्स बनेंगे। सो यहां आ रहा है वन टू ई, अगेन इट इज अ प्योर उसका क्वेश्चन, फिर तो पार्शियल फ्रैक्शन का बनाइए, कैसे बनाएंगे, वन अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी प्लस वन, पार्शियल फ्रैक्शन ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन टी प्लस वन, रीअरेंज कर लो, ए टी प्लस बी टी प्लस बी प्लस सी टी स्क्वायर। इधर से देखो सी की वैल्यू आ रही है जीरो, ए प्लस बी, सी की वैल्यू आ रही है जीरो, ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं 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 टी स्क्वायर और भी तो आएगा, मैं भूल एक चीज मिस करी यहाँ पे, b इंटू टी सी इंटू ए टी इंटू ए टी स्क्वायर प्लस ए टी, हाँ एक मिस किया हमने a में, ऐसी डायरेक्ट करने में मिस्टेक हो जाती है, स्टेप खाने में, हाँ जी। सो इधर से हो जाएगा ए टी इंटू टी प्लस वन, ये वाला खा गई थी मैं फैक्टर, प्लस b इंटू टी प्लस वन प्लस सी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। सो इधर से दो टी, ए इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस बी टी प्लस बी प्लस सी टी स्क्वायर, इधर से आ रहा है ए प्लस सी बराबर जीरो, ए प्लस बी बराबर जीरो और बी बराबर वन, सॉल्व भी हो गया है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बी बराबर वन, तो ए बराबर माइनस वन, सी बराबर वन, हो गया। फैक्टराइज कर लेते हैं यहाँ पे, पुट करते हैं, तो ए था ए बाय टी बी बाय टी स्क्वायर, ठीक है। सो इंटीग्रेशन क्या था, डी टी बाय टी स्क्वायर इंटू टी प्लस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन बाय टी माइनस डी टी प्लस इंटीग्रेशन वन बाय टी स्क्वायर डी टी और प्लस इंटीग्रेशन वन बाय टी प्लस वन डी टी, यही था सी, देखो ठीक है। अब ये वाला तो log of mod t सीधा सीधा हो गया, ये वाला हो जाएगा माइनस log mod t प्लस t की पावर माइनस टू अपॉन माइनस वन, सो वन माइनस लिख देती हूँ माइनस वन बाय t, और ये हो जाएगा प्लस log of mod t प्लस वन, सो ये रीअरेंज कर लो इसको, log of mod t प्लस वन अपॉन t माइनस वन बाय t, वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी इसके अंदर वो लिमिट्स भी लगानी है हमको, सो ये कितना था जीरो वन टू ई, ठीक है। सो पुट कर देते हैं अब, ई प्लस वन अपॉन ई, और माइनस करना ही पड़ेगा, सॉल्व कर लेती हूँ पूरे ही, ठीक है। इधर से हो गया लॉग ऑफ वन प्लस ई अपॉन ई, है ना, वन प्लस ई अपॉन ई माइनस वन बाय ई, फिर हो जाएगा माइनस लॉग टी को लिखा वन, टू बाय वन टू माइनस वन, सही लिखियो। इधर से आंसर देखो लॉग ऑफ k
क्या हो जाएगा, वन प्लस ई बाय ई माइनस वन बाय ई माइनस लॉग टू प्लस वन, ये आ रहा है लॉग टू को इसमें ले लो, हाँ तो वो ई उधर से आ जाएगा टू ई, देखो लॉग वन प्लस ई अपॉन टू ई लिख लो ना इसको, माइनस वन बाय ई प्लस वन ऐसे भी लिख सकते थे, वो लॉग टू को भी नीचे ले ली मैंने, ठीक है, और लॉग टू को छोड़ो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ दिस इज अगेन यूजिंग स्प्लिटिंग द टर्म्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, सो स्प्लिटिंग द इंटरवल, इंटरवल को स्प्लिट करेंगे यहाँ पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। जस्ट अ सेकंड, ओके क्वेश्चन 9 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज फ्रॉम टिल टिल वन तो है ना अलग है, और फिर उसके बाद वन के बाद अलग है, तो माइनस वन से लेके वन तक हमारा फंक्शन सेम हो जाएगा और वन से लेके टू तक हमारा फंक्शन सेम हो जाएगा। सो करते हैं इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन फंक्शन है टू एक्स प्लस वन डी एक्स, एंड प्लस वन टू टू हमारा फंक्शन चेंज हो जाता है एक्स माइनस फाइव डी एक्स, बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है, यू कैन ईजिली डू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 के अंदर यहाँ पे मॉड फंक्शन है, तो व्हेन इट कम्स टू मॉड फंक्शन ना, तो एट एवरी रूट द साइन विल चेंज, है ना। सो देखो जैसे इसका एक रूट हो गया माइनस वन, एक हो गया जीरो और एक हो गया प्लस वन। अब अगर आप माइनस वन से पहले की वैल्यूज लोगे तो आपकी सारी वैल्यूज देखो नेगेटिव बैठेंगी, जीरो लोगे तो एक्स माइनस वन तो पॉजिटिव हो गया, पर एक्स वाला जीरो हो गया उससे पहले का, और एक्स माइनस वन यहाँ पे अगेन नेगेटिव रहेगा, मतलब हमको वैल्यूज चेंज करनी रहेगी। सो करते हैं इसको, क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन माइनस वन टू टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा एफ ऑफ एक्स देखो फंक्शन क्या है, मॉड एक्स माइनस वन प्लस मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस वन, ये एक्स माइनस वन और पहले वाला एक्स प्लस वन था ना, ठीक है। नाउ इधर देखेंगे तो आप पहले देखिए फ्रॉम माइनस वन टू जीरो, माइनस वन टू जीरो आप चेक करोगे आपका एक्स माइनस एक्स एक्स प्लस वन, माइनस वन टू जीरो क्या आएगा, नहीं यार ये तो जीरो नहीं आएगा, ये वाला जीरो आएगा, नहीं माइनस वन टू वन आपका ये वाला जीरो आएगा, माइनस वन टू जीरो सॉरी, एक्स माइनस वन वाला नेगेटिव आएगा, देखो दिस विल कम नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है, ठीक है। सो माइनस वन टू जीरो ले लेती हूँ, तो इधर से देखो फ्रॉम माइनस व्हेन एक्स इज फ्रॉम माइनस वन टू जीरो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखो चेंज करते हैं, एक्स प्लस वन तो पॉजिटिव रहेगा, चेक कर लो ना, माइनस वन टू जीरो माइनस हाफ पुट कर दो, प्लस वन है आगे तो वैसे ही, सो ये तो पॉजिटिव रहेगा एक्स प्लस वन, फिर ये मॉड एक्स जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस एक्स, और ये एक्स माइनस वन भी नेगेटिव आएगा, चेक करो, ठीक है। सो इधर से आपकी वैल्यू क्या आई, एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस टू एक्स और प्लस वन, तो इधर से ओवरऑल क्या हो गया माइनस एक्स और प्लस टू, तो टू माइनस एक्स लिख लूँ क्या, ठीक है। अब जीरो टू वन आपकी वैल्यू चेंज होएगी क्योंकि वन फिर से जीरो आ रहा है, ठीक है। सो जीरो टू वन, सो व्हेन एक्स इज फ्रॉम जीरो टू वन, कहाँ तक चलना है जीरो टू वन टू टू तक, तो वन तक जीरो टू वन के अंदर क्या क्या नेगेटिव होएगा, देखो फंक्शन कहाँ क्या गिरा, एक्स माइनस वन नेगेटिव होगा क्या जीरो टू वन में, सॉरी क्या था एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन नेगेटिव होगा नहीं, तो वो तो एज इट इज लिख देती हूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, फिर प्लस एक्स भी पॉजिटिव रहेगा और एक्स माइनस वन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो इधर से प्लस एक्स और सॉरी माइनस माइनस एक्स यार इसकी लोड ही करना पड़ेगा एक सेकंड, माइनस एक्स माइनस वन ये है ना फैक्टर, इसको ओपन कर लेते हैं तो एक्स प्लस टू, और अब एक्स की वैल्यू वन टू टू स्प्लिट करेंगे, वन टू टू के केस में आप देखो आपका कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है, एक्स प्लस वन पॉजिटिव है प्लस एक्स भी पॉजिटिव है और एक्स प्लस माइनस वन भी पॉजिटिव है, चेक करो। सो ये अल्टीमेटली थ्री एक्स ही मिल रहा है,
ठीक है, अब बनाते हैं अपने फंक्शन की लिमिट. सो इंटीग्रेशन माइनस वन टू टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज माइनस वन टू जीरो. फंक्शन क्या आया था, टू माइनस एक्स डी एक्स प्लस जीरो टू वन. क्या आया था फंक्शन, एक्स प्लस टू डी एक्स और प्लस वन टू टू फंक्शन हो गया थ्री एक्स डी एक्स. बस ट्रिक इन द क्वेश्चन इज दिस ओनली, इसके बाद तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है. गॉट दिस, समझ आई ये बात पक्का? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11. अगेन यहाँ पे आपको फैक्टराइज करना रहेगा. पहले मॉड फंक्शन दे रखा है, मॉड फंक्शन को फैक्टराइज कीजिए. कैसे करेंगे, यहाँ पे x कॉमन लीजिए और फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है. चेक करो क्वेश्चन नंबर 11. इंटीग्रेशन माइनस वन टू टू, वही लिमिट्स ही बनानी है बेसिकली आपको. x कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू बन रही है डी एक्स, है ना, मॉड में. फिर इसको x माइनस टू और x माइनस वन लिख सकते हो. सो ये क्या बन रहा है, मैं f ऑफ x ही लिख रही हूँ यहाँ पे सीधा सीधा. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू. सही है कि नहीं है, चेक करो. अब देखो एक इसका जीरो आ रहा है, जीरो एक आ रहा है माइनस वन, सॉरी एक आ रहा है वन और एक आ रहा है टू. ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग एक्स इक्वल टू माइनस वन टू जीरो. सो माइनस वन टू जीरो, तो आपका एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए. देखो उस केस में हमारा माइनस वन टू जीरो के केस में एक्स भी नेगेटिव होएगा, एक्स नेगेटिव है, एक्स माइनस वन माइनस वन टू जीरो में कैसे पॉजिटिव होगा, माइनस हाफ रख के देखो नेगेटिव वैल्यू आएगी और ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो ओवरऑल फंक्शन पूरा नेगेटिव आ रहा है. सो इधर से पूरा फंक्शन नेगेटिव करेंगे तो माइनस लगा देते हैं, माइनस ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू. आया ना, चेक करो सही लिखी हूं क्या. इसको ओपन करके, मतलब बाद में तो अपन ओपन करके लिख देंगे, ऐसे माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस प्लस थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस टू. माइनस है ना बाहर, तो माइनस आ जाएगा, चेक कर लो. ऐसे ही है, नॉर्मल करेंगे इसको, प्रोडक्ट में इंटीग्रेट नहीं करेंगे. मैंने पूरी वैल्यू, फंक्शन पूरा नेगेटिव होएगा. चेक कीजिए, ये जो फंक्शन था ना इसी को मैंने नेगेटिव पुट कर दिया, समझे, एक्स कर दिया ना, एक्स हाँ टू एक्स सॉरी. ठीक है, नेक्स्ट अब जीरो टू वन ले लो. जीरो टू वन के केस में आप देखो एक्स तो पॉजिटिव रहेगा, एक्स माइनस वन नेगेटिव और एक्स माइनस टू नेगेटिव, दोनों मिला के पॉजिटिव हो जाएंगे. सो ओवरऑल फंक्शन पॉजिटिव रहेगा अवीश. सो ओवरऑल फंक्शन विल बी पॉजिटिव, सो इट विल बी एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी क्या था यहाँ पे माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स. ठीक है, एंड लास्टली वन टू टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी. देखो एक्स पॉजिटिव, एक्स माइनस वन पॉजिटिव और वन टू टू में एक्स माइनस टू नेगेटिव होगा, तो ओवरऑल फंक्शन पूरा नेगेटिव हो गया. सो माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स. अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, तीन इंटीग्रेशन बनेंगे और तीनों सिंपल सिंपल है. सो इंटीग्रेशन माइनस वन टू जीरो माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी एक्स. फिर जीरो टू वन बनाओ, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एंड प्लस वन टू टू बनाइए, माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी एक्स. वेरी सिंपल इंटीग्रेशन. नाउ एल्जेब्राइक फंक्शन है, बेसिक एल्जेब्राइक फंक्शन, सिंपली इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स लगा देंगे. इसको प्रोडक्ट में इंटू नहीं करेंगे, प्रोडक्ट में इंटीग्रेट नहीं करेंगे. आप सोचो मैम आपने वो x x माइनस वन और x माइनस टू बनाया था, वो तो मैंने सिर्फ और सिर्फ साइन कैलकुलेट करने के लिए निकाला था, बाकी कोई लॉजिक नहीं था. ठीक है, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं होते हो तो मैंने आपको नंबर लाइन सिस्टम सिखाया है, जीरो वन एंड टू इसके फैक्टर्स होंगे. फ्रॉम टिल जीरो इट विल बी पॉजिटिव इस तरफ पूरा, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा इसमें, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव. नहीं उल्टा चल रहा है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने. टू से बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है, क्या उन साइंस, हाँ डायरेक्टली कर लो ना. फिर तो माइनस वन टू जीरो चल रहा है तो माइनस साइन है तो पूरे को माइनस कर दो. जीरो टू वन था तो पॉजिटिव था तो सेम टू सेम लिख दो, और वन टू टू है नेगेटिव है तो वापस से रिवर्स साइन कर दो.
दैट इज अप टू यू, आपको जैसे कंफर्टेबल हो. और ऐसे तो ये छोटा सा है भी, सामने भी दिख रहा है, ऐसे पुट करके भी चेक कर सकते हो. गॉट दिस? चला चले आगे, समझ आ गया क्या ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, मॉड फंक्शन का कंसेप्ट ही यही है कि आपको उसकी वैल्यू जहां जहां चेंज हो रही है वहां वहां पे आपके इंटरवल को स्प्लिट करना है. सिमिलरली फॉर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन ऑल्सो, पता है ना हमको बॉक्स एक्स याद आया? ठीक है, एक क्वेश्चन वही दे रखा है हमने यहाँ पे बॉक्स एक्स का. ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स माइनस बॉक्स एक्स फ्रॉम माइनस वन टू वन. सो माइनस वन टू वन, क्वेश्चन नंबर 12, माइनस वन टू वन एक्स माइनस बॉक्स एक्स. अब आप चेक करो यहाँ पे ये है ना, पता है जीरो पे डिस्कंटिन्यूस हो रहा है क्योंकि जीरो पे वैल्यू यहाँ पे अलग आ जाएगी, राइट? सो अभी देखो एक्स बॉक्स एक्स माइनस वन से लेके जीरो तक तो क्या रहता है? माइनस वन है ना, और जीरो से वन जीरो. ठीक है, तो हम स्प्लिट करते हैं इसको. सो वैन यहाँ पे पुट करिए, माइनस वन टू वन एक्स माइनस बॉक्स एक्स माइनस वन टू जीरो एक्स माइनस बॉक्स एक्स डी एक्स बॉक्स एक्स, ऐसे राउंड बना देती हूँ, और प्लस जीरो टू वन एक्स माइनस बॉक्स एक्स डी एक्स. अब यहाँ पे जीरो टू वन और x इसकी वैल्यूज पुट कर दो. देखो इंटीग्रेशन माइनस वन टू जीरो, ये हो जाएगा माइनस वन टू जीरो माइनस वन, सो एक्स माइनस ऑफ माइनस वन एक्स प्लस वन डी एक्स, और प्लस जीरो टू वन इट इज जीरो, सो एक्स माइनस जीरो डी एक्स, सो एक्स डी एक्स. अब बेसिक इंटीग्रेशन है एक्स प्लस वन का और एक्स करिए, ईजिली हो जाएगा. बस यहाँ पे लॉजिक पता है क्या है, बस स्प्लिटिंग के अंदर ही है जो कंसेप्ट है, वो स्प्लिटिंग के अंदर है. ये वाले सारे क्वेश्चन आपके टू टू मार्क्स के होते हैं जिसमें वन मार्क तो आपको ये स्प्लिट करने का मिलता है और वन मार्क आपको आंसर निकालने का मिलता है. ठीक है क्या? इज दिस क्लियर? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13. अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें पूरी प्रॉपर्टी ऑफ लगेगी आपकी. टू टू फोर लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 36 माइनस 12 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. अच्छा देखो ब्यूटी देखो, इसमें नीचे डिनोमिनेटर में एक होल स्क्वायर बन रहा है क्वेश्चन में. 13 इंटीग्रेशन, इसको आई नाम दे दिया, लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे देखना लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है, चेक करो. और ये 2 टू 4 है, करेक्ट. ए प्लस बी माइनस एक्स लगाएंगे तो एवरी एक्स टू बी रिप्लेस बाय ए प्लस बी, मतलब 2 प्लस 4 6 माइनस एक्स. सो हम लगा देते हैं वो वाली प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन 2 टू 4 लॉग 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स को रिप्लेस किया वापस से लॉग 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स, सो लॉग एक्स स्क्वायर. चेक करो, एडिंग द टू इंटीग्रल्स 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 टू 4, आप देखोगे दोनों के न्यूमरेटर्स जो आ रहे हैं ना वो ऐसा आ रहा है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और आप देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स. आप चेक करेंगे ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, सो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 टू 4 1 डॉट डी एक्स. 1 डॉट डी एक्स कितना हो गया? एक्स. 2 टू 4 कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2 2, सो 2i इक्वल टू 2, i की वैल्यू आ गई 1, हेंस प्रूफ्ड. हेंस प्रूफ क्या? हेंस सॉल्व्ड. सो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में आपने देखा मैंने इंटीग्रेशन कुछ किया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, अगेन इट विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन. यहाँ पे देख ही रहा है एक्स को रिप्लेस कर दो ए माइनस एक्स से, काम हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 14, जीरो टू ए एक्स की पावर 2020 अपॉन एक्स की पावर 2020 प्लस ए माइनस एक्स की पावर 2020 डी एक्स. इसको नाम दे दो आई. अब है ना हर एक्स को रिप्लेस कर दो ए माइनस एक्स से, सो जीरो टू ए माइनस एक्स की पावर 2020, फिर एक्स को रिप्लेस किया ए माइनस एक्स की पावर 2020, फिर प्लस ए माइनस एक्स को वापस से एक्स को रिप्लेस किया ए माइनस माइनस ऑफ एक्स, एक्स की पावर 2020 डी एक्स इक्वल टू आई. ये भी इक्वल टू आई होता है क्योंकि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ से लाए. दोनों को ऐड करोगे दोनों के सेम आ रहे हैं, जीरो टू ए ये पूरा वन हो जाएगा, वन डॉट डी एक्स इक्वल टू टू आई. गॉट इट? इधर से देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स फ्रॉम जीरो टू ए इक्वल टू टू आई, ये हो जाएगा ए. सो आई की वैल्यू आ रही है ए बाय टू, आंसर.
ठीक है, इंटीग्रेशन कहीं नहीं किया है हमने. अगेन अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है माइनस वन टू वन, वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर ई की पावर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब सॉरी, एक्स क्यूब डी एक्स. कैसे करेंगे? प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं इसमें, इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन, वन अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स क्यूब, हाँ जी डी एक्स. माइनस ए टू ए क्या होती है? स्प्लिट करूं फिर क्या करूं? इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन. ओके अब बोलो आगे. ट्वाइस इंटीग्रेशन जीरो टू वन. ए भाई ये कैसे ऑड, ये ई की पावर माइनस एक्स क्यूब बन रहा है, ई की पावर एक्स को रिप्लेस करो, आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करो, ई की पावर माइनस एक्स बन रहा है, चेक करो. इधर देखिए ये वाली प्रॉपर्टी ऐसी होती है, आप जो कहना चाह रहे हो सही हो पर प्रॉपर्टी ये होती है, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स. सो पहले निकालो माइनस एक्स, ठीक है. सो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स क्यूब. सो एफ ऑफ माइनस एक्स देखो क्या बनेगा, वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है. इसको क्या सही करके लिख सकते हैं, माइनस एक्स क्यूब तो इसको नीचे लेगा वन बाई एक्स क्यूब, तो ये हो गया ई की पावर एक्स क्यूब अपॉन ई की पावर एक्स क्यूब प्लस वन. चेक करो सही लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है. अभी देखो इनको दो, अब मैं स्प्लिट करती हूँ. सो इंटीग्रेशन माइनस वन टू वन, वन अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स कैन बी रिटन एज जीरो टू वन, वन अपॉन वन प्लस ई की पावर एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स आ गया, फिर प्लस जीरो टू वन एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस एक्स ऊपर निकाला, ई की पावर एक्स क्यूब अपॉन वन, चलो वन प्लस ई की पावर एक्स क्यूब डी एक्स. अब आप दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे ना तो ओवरऑल वन हो गया. सो दिस कम्स आउट टू बी टू टाइम्स, सॉरी सॉरी टू टाइम्स से तो नहीं हो गया, वन आ जाएगा, वन जीरो टू वन वन डॉट डी एक्स, ठीक है. सो इधर से कितना आ गया, एक्स फ्रॉम जीरो टू वन, पर यहाँ पे टू आई भी आएगा ना इस तरफ, हम ऐड करेंगे दोनों को इंटीग्रल्स को, माइनस वन टू वन टू आई तो नहीं आएगा, हाँ करेक्ट. इधर से एक्स माइनस वन, वन माइनस जीरो वन, आंसर आई वैल्यू इक्वल टू वन, गॉट इट. नेक्स्ट चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये प्योर आपके प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स के क्वेश्चन थे. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो क्वेश्चन यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स आर ओवर, राइट. सो ये मैंने लास्ट आपके जो सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, लास्ट वाले आपके सारे वही क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए. विल मूव टू एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स. नाउ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, वन ऑफ द एप्लीकेशन विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू वॉज कि हम इसके अंदर एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स या इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स. बट द एरिया अंडर द कर्व इज नॉट अंडर आर सिलेबस. हम लोग यहाँ पे है ना कुछ कॉमर्स रिलेटेड ही एप्लीकेशन देखेंगे. तो हमने जैसे डिफरेंशियल कैलकुलस में मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना सीखा था, उसका रिवर्स हम यहाँ पे करते हैं. सो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो होता है कि मार्जिनल फंक्शंस गिवन होते हैं और आपको कॉस्ट या रेवेन्यू फंक्शन निकालने होते हैं. सो व्हेन द मार्जिनल फंक्शंस आर गिवन, एप्लीकेशंस की बात करते हैं हम, वी कैन एक्चुअली कैलकुलेट द कॉस्ट फंक्शन. सो कॉस्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन डी एक्स, करेक्ट. दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट आर मार्जिनल कॉस्ट से कॉस्ट फंक्शन. दूसरा पता है क्या, इसके अंदर जो कॉन्स्टेंट आता है, लेट्स से दिस इज योर कॉन्स्टेंट सी या के, नहीं सी नहीं लिखती क्योंकि सी से तो कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रही हूँ, के लिख देती हूँ. नाउ के कैसे डिटरमाइन करते हैं, के कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द रिलेशनशिप कि एक्स जब जीरो होगा तो कॉस्ट टोटल कितनी होगी, फिक्स कॉस्ट के बराबर. सो आपको जनरली क्वेश्चन में गिवन होगी द फिक्स कॉस्ट इज दिस, ठीक है, फाइंड द कॉस्ट फंक्शन, या व्हेन द आउटपुट प्रोड्यूस इज दिस,
द टोटल कॉस्ट इज दिस. तो कोई ना कोई रिलेशनशिप गिवन होगा, पर अगर कुछ भी नहीं समझ आए तो क्या रिलेशनशिप, फिक्स कॉस्ट दे रखी है. सो पुट एक्स इक्वल टू जीरो, सी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट. यूज दिस रिलेशनशिप एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. सिमिलरली फॉर रेवेन्यू फंक्शन, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू का जब आप इंटीग्रेशन करते हो ना, प्लस अ कॉन्स्टेंट कम्स. नाउ हियर द कॉन्स्टेंट वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बाय पुटिंग एक्स इक्वल टू जीरो, रेवेन्यू विल बी जीरो. जीरो माल बेचा तो जीरो ही रेवेन्यू होगा, राइट. सो इधर से क्या हो गया, वेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, आर ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू जीरो. गॉट दिस? सो यहां से आपकी के की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, राइट. नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कंसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग. सो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, जब जितनी डिमांडेड क्वांटिटी है उतनी हम सप्लाई कर चुके हैं. सो इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू द सप्लाई फंक्शन, और वी से वेयर वी हैव फुलफिल्ड द सिचुएशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड बाय क्वांटिटी सप्लाइड. करेक्ट और नॉट? सही है. अच्छा, इसी को समझने के लिए हम लोग एक प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस पढ़ते हैं. सो आपको पता है डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व कैसा होता है. डिमांड कर्व इज ऑलवेज नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड द सप्लाई कर्व इज जनरली पॉजिटिवली स्लोपिंग, राइट. सो अगर मैं हमारा डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व बनाती हूँ तो इट इज समथिंग लाइक दिस. इक्विलिब्रियम प्राइस को हम लोग पी जीरो एक्स जीरो से डिनोट करते हैं. सो ये देखो, ये मेरा होता है, दिस इज माई डिमांड कर्व. कैन आई राइट माई डिमांड कर्व लाइक दिस? करेक्ट. और यहां पे कहीं पे मेरा सप्लाई कर्व जाता है, दिस इज सप्लाई कर्व. अच्छा, मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो इक्विलिब्रियम कहाँ अटेन हो गया, मेरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे. सो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट. तो इसको मैं अगर डिनोट कर दूं ऐसे, ये लाइन में आ गई, समझे. सो इधर से क्या आ गया, ये तो हो गया आपका डिमांडेड प्राइस, राइट, एक्स जीरो, और ये हो जाएगा आपका पी जीरो, ठीक है क्या. सो पी जीरो एक्स जीरो, ये आपके इस ट्राइंगल का टर्म हो गया. अब देखो, यहां पे आ जाता है आपका प्रोड्यूसर सरप्लस और यहां आ जाता है आपका कंज्यूमर सरप्लस. प्रोड्यूसर सरप्लस एंड कंज्यूमर सरप्लस. अच्छा, डिमांड कर्व को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, डी ऑफ एक्स, और इसको हम जनरली सप्लाई कर्व को एस ऑफ एक्स बोलते हैं, समझे. नाउ हाउ टू फाइंड आउट दी कंज्यूमर सरप्लस एंड दी प्रोड्यूसर सरप्लस. सो अगर आपको एक कर्व दिमाग में याद रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है. सो देखिए, कंज्यूमर सरप्लस कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द रिलेशनशिप. देखो ये वाला पूरा एरिया, मैं हाईलाइटर, ये पूरा कंज्यूमर सरप्लस क्या निकालना है आपको, ये एरिया, दिस इज योर कंज्यूमर सरप्लस, राइट, ठीक है. सो ये कैसे आएगा, एरिया अंडर द डिमांड कर्व माइनस पी जीरो एक्स जीरो वाला रेक्टेंगल माइनस कर दो, करेक्ट, टिल एक्स जीरो चलेंगे हम लोग. सो हमारा आ जाएगा इधर से, सो कंज्यूमर सरप्लस इज गिवन बाय जीरो टू एक्स जीरो, आपका डिमांड कर्व के अंडर का एरिया, मतलब डी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस द रेक्टेंगल का एरिया एक्स जीरो पी जीरो, या पी जीरो एक्स जीरो, जैसे याद रखना आपको. दिस इज योर कंज्यूमर सरप्लस. कंज्यूमर डिमांड करता है ना, इसीलिए कंज्यूमर सरप्लस में डिमांड फंक्शन चलता है. प्रोड्यूसर सप्लाई करता है, इसलिए प्रोड्यूसर सरप्लस के अंदर सप्लाई फंक्शन जाएगा. देखो कैसे, प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है. सो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, ये वाला, ये कैसे निकलेगा, आपके रेक्टेंगल के एरिया में से प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया माइनस कर दो, मतलब प्रोड्यूसर सप्लाई कर्व का एरिया माइनस कर दो. सो इधर से देखो, प्रोड्यूसर सरप्लस विल बी पी जीरो एक्स जीरो माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू एक्स जीरो सप्लाई कर्व एस ऑफ एक्स डी एक्स. क्योंकि प्रोड्यूसर सप्लाई करता है इसलिए उसका सप्लाई फंक्शन चलता है, और कंज्यूमर क्योंकि डिमांड करता है तो उसके साथ हमेशा डिमांड फंक्शन चलता है. और कंज्यूमर माई बाप है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए डिमांड पहले आएगा फिर पी जीरो एक्स जीरो आएगा, ऐसे याद रख सकते हैं. और प्रोड्यूसर सरप्लस के अंदर सप्लाई चलता है, पर यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर ही भगवान है, तो यहाँ पे सप्लाई वाला जो प्रोड्यूसर होता है वो पीछे चलता है. तो पी जीरो एक्स जीरो माइनस सप्लाई का इंटीग्रेशन. गॉट दिस? याद रहेगा ऐसे कंसेप्ट वाइज. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चंस पार्ट, वी डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चंस पार्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स. हमारे पास कुछ क्वेश्चन है,
suppose the demand for the certain product is given by P equal to demand value, दे रखे आपको P equal to this, where P is a unit price given by, given in rupees and X is the quantity demanded per month given in the units of 1000, right? Now the unit market price for the product is this, find the quantity demanded at the given price and the consumer surplus when the market price is rupees 4 per unit. ठीक है, चलो करें क्या क्वेश्चन. क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन वन. अब ये वाले सारे ना 3 मार्क्स और 5 मार्क की कैटेगरी के ही क्वेश्चन होते हैं इसमें ज्यादातर. ठीक है, बहुत रेयरली जैसे 1 मार्क के होते हैं, जैसे मार्जिनल कॉस्ट दे दी, कॉस्ट निकालो, आपको रेवेन्यू दे दिया, मार्जिनल रेवेन्यू, रेवेन्यू निकालो, वो वाले टाइप में 1 मार्क होते हैं. बाकी तो सारे इसमें 3 मार्क ऑनवर्ड्स ही क्वेश्चन बनते हैं. सो पहला आपको दे रखा है यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड पी इज इक्वल टू -0.01² - 0.1x + 6. ये आपको दे रखी है और आपको प्राइस कितनी दे रखी है, 4 रुपीज पर यूनिट. ठीक है, सो इधर पुट कर देते, 4 = -0.01x² - 0.1x + 6. ऐसा करते हैं 100 से डिवाइड करते पूरी इक्वेशन को, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. सो 400 = -x² - 10x + 600. करेक्ट, रीअरेंज कर लो, x² + 10x और -600, तो -200 = 0. फैक्टराइज करूंगी तो क्या बनेंगे, 200 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 20 और 10. सो x + 20 और x - 10 = 0. तो 20 तो -20 तो रिजेक्ट हो जाएगा, x 0 आ गया आपका 10. सो क्वांटिटी डिमांडेड एट रुपीज 4, इसने तो यही पूछा था, फाइंड द क्वांटिटी डिमांडेड एट द गिवन प्राइस. एट द गिवन प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड इज 10 यूनिट्स पर यूनिट्स 1000 को हो रहा है, तो 10 × 1000, 10,000 यूनिट्स इज द क्वांटिटी डिमांडेड. नेक्स्ट, 10 × 1000, हाँ 1000 नहीं दे रखा ना, तो 1000 यूनिट्स. नेक्स्ट ये पूछ रहा है, नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है, फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस इफ द मार्केट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट इज रुपीज 4. तो यार देखो, कंज्यूमर सरप्लस, सो जीरो कंज्यूमर का पहले आएगा क्वांटिटी डिमांडेड, तो डिमांड की तो वैल्यू दे रखी आपको है ना 0.01 वाली, और आपको कहां तक चलना है, क्वांटिटी डिमांडेड तक. तो डिमांडेड क्वांटिटी कितनी है, 0 to x 0, राइट. सो कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू 0 to 10 है ना -0.01x² - 0.1x और कितना था +6 dx -P0x0. P0x0 मतलब 4 × 10, हाँ या ना, चेक कीजिए, सही करें. इधर से देखो, -0.01 को तो बाहर ले लो है ना, x² का हो जाएगा x³/3 और ये हो जाएगा 0 to 10. फिर -0.1 को बाहर ले लो, x² / 2, 0 to 10, और +6 को बाहर ले लो, x 0 to 10, -40 ले भाई, ये हो जाएगा 60 - 40 = 20 सीधा सीधा. अब इसको कर लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा देखो x³/3, 1000/3 -0 × 0.01, तो -10/3 हो रहा है, चेक कर लो. फिर ये 100/2 × 10 करूंगी तो 10/2 = 5 है ना, -5 और ये हो रहा है +20, चेक करो, 20 - 15 = 15 - कितना 60 - 40 = 20 हो गया ना. ठीक है, सो इधर से कितना है, 15 - 10 = 3.33, 11.666666, सही बोलियो क्या, 11.666667. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, पर 1000 यूनिट्स, मतलब यहाँ पे क्योंकि यूनिट्स में चल रहा है ना 1000 यूनिट्स, सो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको. सो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है, 11,666667 लिख लो ना, नंबर ऑफ यूनिट्स है तो होल नंबर में ही आंसर कर लेते हैं. ठीक है, गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन टू यू, फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट इफ द फिक्स्ड कॉस्ट इज रुपीज 1000. नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन कम अंडर योर 1 मार्क और 2 मार्क कैटेगरी क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन 2 बोल रहा है मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट फंक्शन निकालना है, तो सी ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन कितना दे रखा है, x/√x² + 400. ऐसा करो, x² + 400 को टी लेट कर लो, x² + 400 = टी ले रहे हो या टी स्क्वायर ले रहे हो, टी स्क्वायर ले लूं वो सही रहेगा, और 2t dt. सो 2x dx = 2t dt, सही है, 2t dt. सो x dx = t dt, पुट कर देते सारी वैल्यूज यहाँ पे. सो इंटीग्रेशन x dx को लिखा t dt अपॉन t स्क्वायर अंडर रूट, तो t
तो इधर से तो 1 dt हो गया सीधा सीधा, चेक करो, ठीक है, 1 dt कितना हो गया t। सो c ऑफ x आ रहा है आपका अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 400 प्लस कांस्टेंट k। अब k निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपको, सो व्हेन x इज 0 द फिक्स कॉस्ट इज गिवन टू यू एज 1000 rupees। सो व्हेन x इज इक्वल टू 0 c ऑफ x इज रुपीज 1000, पुट द वैल्यू 1000 इक्वल टू ये तो क्या 0 प्लस 400 अंडर रूट 20 प्लस k। सो k की वैल्यू देखो कितनी आई 980। सो आपका कॉस्ट फंक्शन लिखना था आपको, सो कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस 980। और लास्ट में एक और चीज पूछी है, फाइंड द एवरेज कॉस्ट ऑल्सो। सो एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी c बाय x। सो कैसे करूंगी, c बाय x करूँ तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 400 अपॉन x प्लस 980 बाय x। आंसर गॉट इट, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द मार्जिनल रेवेन्यू इज दिस देन शो दैट द डिमांड फंक्शन इज दिस। सो मार्जिनल रेवेन्यू है, पहले रेवेन्यू निकालो फिर डिवाइड बाय x करोगे तो यू विल गेट द डिमांड फंक्शन। करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो रेवेन्यू फंक्शन निकालते हैं, इंटीग्रेशन मार्जिनल 4/2x + 3 का स्क्वायर प्लस -1 सॉरी। करेंगे क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, 2 की पावर ये तो -1 हो जाएगी और -2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा -2 से। सो 4/-2 × 2x + 3 सही लिखी हूँ, चेक कर लो सही लिखा है, और माइनस एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट के। नाउ व्हेन रेवेन्यू 0 द एक्स इज ऑल्सो 0 राइट। सो ये तो आर एक्स आ गया, सो के निकालने के लिए मुझे एक्स को 0 पुट कर देते। सो फॉर एक्स इक्वल टू 0 आर ऑफ एक्स इज ऑल्सो 0। सो रेवेन्यू फंक्शन देखो क्या आया, 4/-6 आ रहा है, चेक करो -0 + k प्लीज चेक, k की वैल्यू आ रही है -+2/3 k इक्वल टू 2/3 चेक कर लो, हाँ या ना। रेवेन्यू फंक्शन निकालो, रेवेन्यू फंक्शन क्या हो गया अब अल्टीमेटली, मैंने पूरा फंक्शन अगर लिखती हूँ रेवेन्यू फंक्शन हो गया 4/-2x + 3 - 2/2x + 3 - x और +2/3 ये आ गया मेरा रेवेन्यू फंक्शन, चेक कर लो एक बार सही है। ये वाला पार्ट इंटीग्रेट किया, ये 2 की ये 2^-2 हो गया -2 + 1 नीचे तो आ गया -1 और फिर 2 मतलब x के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं तो 2 आ गया और पावर -1 हो गई तो -1 आ गया ठीक है। सो -2 2x + 3 और 4 एज इट इज है, -1 का -x और प्लस k लगा दिया। अब रेवेन्यू 0 होता है व्हेन x इज 0, सो फॉर x इक्वल टू 0 रेवेन्यू 0 ऊपर से दिखाती हूं वापस से 4/-2 x 0 हो गया तो ये तो हट गया, यहां माइनस सीधा सीधा 6 आ गया तो -6 - 0 + k तो k की वैल्यू हो गई 2/3 सही लिखी हूँ, अरे सॉरी बस इसको वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसने क्या पूछा साथ में, डिमांड फंक्शन भी पूछा है, डिमांड फंक्शन निकालने के लिए आपको इसको डिवाइड बाय x करना रहेगा। सो डिवाइड बाय x करोगे तो क्या हो जाएगा, नहीं p × x हाँ डिवाइड बाय x क्या होएगा, ये नहीं यार कैसे बैठेगा, बैठ ही नहीं रहा, कुछ तो मिस्टेक किया है ऊपर देखना, नहीं सही है सही है सही है सही है, हमको हमने इसको गलत किया, रीअरेंज नहीं किया अभी तक इसको, एलसीएम लेके सही करो इसको हो जाएगा -2 - 2x और कितना हो जाएगा ये -2x² और ये कितना होएगा -x × 3x / 2x + 3 +2/3 रहने दो, नहीं यार 2/3 फिर भी आ ही रहा है ना तो उसको भी करना पड़ेगा इंक्लूड, एक पूरा फ्रैक्शन बनाओ इसको या तो एक सेकेंड -x रहने देती हूँ क्योंकि -1 आ रहा है तो -x रहने देती हूँ -2/3
नहीं, प्लस टू बाय थ्री माइनस टू अपॉन टू एक्स प्लस थ्री, इसको कंबाइन कर लेती हूँ क्योंकि माइनस एक्स माइनस वन तो आ ही रहा है क्वेश्चन में. सो इन दोनों को कंबाइन करके हम हमारा निकाल लेते हैं. एलसीएम ले लो, थ्री टाइम्स टू एक्स प्लस थ्री आ रहा है, थ्री की टेबल में टू एक्स, टू टू ज़ा फोर एक्स प्लस सिक्स, माइनस टू की टेबल में सिक्स, सही है क्या? सिक्स सिक्स कट गया, हो गया हमारा, बन गया फोर एक्स अपॉन थ्री टाइम्स टू एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स. ये तो हमारा रेवेन्यू फंक्शन बना आर ऑफ एक्स. अब इधर से आपका डिमांड फंक्शन क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू आर एक्स बाय एक्स, हाँ या ना? डिवाइड कर लो, फोर बाय थ्री टाइम्स टू एक्स प्लस थ्री माइनस वन, ऐसे ही लाना था हमको. देखो मेरे को वो माइनस वन चाहिए था ना, इसलिए मैंने एक्स को छेड़छाड़ नहीं की, ठीक है? सो आ गया, क्या क्या लाना था, सिक्स एक्स, वो तो मल्टीप्लाई कर देना, सिक्स एक्स प्लस नाइन हो जाएगा, ठीक है? गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर. डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी गिवन है, फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस पी इक्वल टू टू. इक्विलिब्रियम प्राइस दे रखी है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फोर, डिमांड फंक्शन. सो डिमांड फंक्शन डी ऑफ एक्स या पी इज इक्वल टू ट्वेंटी ई की पावर माइनस एक्स बाय टेन. और इसने क्या बोला, इक्विलिब्रियम प्राइस पी जीरो इज टू. सो एक्स जीरो निकालनी पड़ेगी आपको कंज्यूमर सरप्लस के लिए. सो टू इक्वल टू ट्वेंटी ई की पावर माइनस एक्स जीरो बाय टेन. टेन वन बाय टेन आ रहा है, ई की पावर माइनस एक्स जीरो बाय टेन, हाँ या ना? चेक कर लो. इधर से देखो कैसे करेंगे, अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स कर लो, या तो कितनी दे रखे, लॉग कहाँ दे रखे, लॉग ई टू द बेस टेन की दे रखे पर. सो इसको पहले क्या करेंगे, वन अपॉन एक्स की पावर, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, वन बाय ई एक्स जीरो बाय टेन, ऐसा लिख सकती हूँ क्या? क्रिस क्रॉस कर लो, e की पावर x जीरो बाय टेन इक्वल टू टेन. अब log log कर दो, तो x जीरो बाय टेन इज इक्वल टू log टेन, पर हमको वैल्यू दे रखे log e टू द बेस टेन, और ये log टेन है, तो e टू द बेस टेन कितनी हो जाएगी, वन बाय log e टू द बेस टेन इज इक्वल टू log टेन टू द बेस e का रेसिप्रोकल ना, तो हमें ई टू द बेस टेन दे रखे और हमें चाहिए लॉग टेन टू द बेस ई, तो वन बाय वो कर दे, तो ये हो जाएगा टेन अपॉन कितनी दे रखे, जीरो पॉइंट फोर थ्री फोर थ्री. सॉल्व करोगे ना, आपको मिल रहा है यहाँ से, सॉल्व करने पर टेन बाय दिस इज ट्वेंटी थ्री पॉइंट जीरो थ्री आ रहा है, ठीक है क्या? Got this? Now once you have got the P0, X0, आप consumer surplus निकाल सकते हो. So consumer surplus क्या हो गया? Quantity demanded पहले आएगी क्योंकि consumer के लिए demand important है. So 0 to X0, X0 कितना है? यही, ठीक है? E की power 20 times E की power minus X by 10 dx minus X0 P0. सही है कि नहीं है? Check कर लो. ठीक है, अब इसको तो हमको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना रहेगा. इंटीग्रेट करने के लिए e की पावर माइनस एक्स बाय टेन, सो e की पावर माइनस एक्स बाय टेन अपॉन माइनस वन बाय टेन, ठीक है? सो 20 बार आ गया, e की पावर माइनस एक्स बाय टेन अपॉन माइनस वन बाय टेन फ्रॉम जीरो टू एक्स जीरो, और माइनस कितना आया था, ट्वेंटी थ्री पॉइंट जीरो थ्री वो आया था, और p कितना दे रखा था, टू, तो टू इंटू ट्वेंटी थ्री पॉइंट जीरो थ्री फोर्टी सिक्स पॉइंट जीरो सिक्स, सही है? सही लिखूँ कि नहीं लिखूँ, चेक कर लो. अब इधर से देखो क्या आया, 20 टाइम्स, ये माइनस 20 लिख दूं क्या, माइनस 1 बाय 10 भी बाहर ले लिया तो माइनस 200 लिख दिया बाहर, चलेगा क्या? है ना, e की पावर माइनस x बाय 10 फ्रॉम 0 टू x 0 माइनस 46.06. अब देखो हम वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 200 इंटू e की पावर माइनस x 0 बाय 10 और माइनस e की पावर 0 हो जाएगा विच इज 1. अभी देखो ऊपर है ना, e की पावर माइनस एक्स जीरो बाय टेन हमने कहीं निकाली थी, टेन थी गिरी टेन, तो वो यहाँ हम पुट कर देंगे, पर ये माइनस एक्स जीरो है तो वन बाय टेन हो जाएगी. सो माइनस वन बाय टेन माइनस वन माइनस 46.06, ये हो गया माइनस नाइन बाय टेन, और इंटू 200 करोगे सो माइनस नाइन बाय टेन इंटू 200, सो 200 इंटू प्लस हो जाएगा 9 बाय 10 माइनस 46.06, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो 180 माइनस 46.06 विच इज 133.94 आंसर. गॉट इट, समझ आया क्या?
पक्का एवरीवन, इज दिस क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मोनोपोलिस मार्केट का क्वेश्चन है। सो मोनोपोलिस मार्केट में ध्यान रखना है इक्विलिब्रियम प्राइस का ध्यान रखना है, वो तो P0 X0 और तो कुछ होता नहीं है, कुछ स्पेसिफिक याद रखना नहीं है इसमें मोनोपोलिस मार्केट में। नाउ क्वेश्चन दे रखा था डिमांड फंक्शन पी फॉर मैक्सिमाइजिंग अ प्रॉफिट मोनोपोलिस्ट इज पी इक्वल टू 274 माइनस एक्स स्क्वायर व्हाइल द मार्जिनल कॉस्ट इज 4 + 3x फॉर एक्स यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी यूज इंटीग्रल्स फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस। सो अभी देखो आपको क्वेश्चन में दे रखा है डिमांड फंक्शन, तो रेवेन्यू निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 5, डिमांड फंक्शन पी इंटू एक्स करके रेवेन्यू फंक्शन निकाल लेते हैं। सो 274x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू निकाल लेते हैं। हाँ, मोनोपोलिस फंक्शन में क्या ध्यान रखना होता है, मोनोपोलिस इकोनॉमी में मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट, याद आ गया? वही निकालना है यहाँ पे, मैक्सिमम प्रॉफिट आई थिंक, हाँ, फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, यही पूछा है। सो रेवेन्यू आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू निकालते हैं इन डिफरेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू फंक्शन विच इज 274 माइनस 3x स्क्वायर, ये मार्जिनल रेवेन्यू आ गया और मार्जिनल कॉस्ट ऑलरेडी दे रखी है आपको 4 + 3x। सो फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट वी से मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, 274 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 4 + 3x। नाउ फ्रॉम हियर हमारा क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर इधर ले गए प्लस 3x और माइनस 274 प्लस 270 माइनस 274 प्लस 4, सो माइनस 270 इक्वल टू 0, पहले 3 से डिवाइड कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इक्वल टू 0, 90 के फैक्टर्स 10 एंड 9, सो एक्स प्लस 10 एंड एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ रही है आपकी 9, सो एक्स 0 इक्विलिब्रियम प्राइस हो गई 9। क्वांटिटी डिमांडेड निकाल लेते हैं पी एट एक्स 0, सो पी क्या हो जाएगी, पी जब आप पुट करोगे ना तो पी 0 इक्वल टू 274 माइनस 9 का स्क्वायर, कितना आ रहा है चेक कर लो, 81 माइनस करेंगे P0 आ रहा है 193। अब आपको सिर्फ कंज्यूमर सरप्लस निकालना है, सो कंज्यूमर सरप्लस निकल जाएगा डिमांड फंक्शन सी ऑफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x0 9, डिमांड फंक्शन पी इंटू डी एक्स, पी कितना दे रखा था 274 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस P0 x0 193 × 9 आंसर हो जाएगा। ये चीज आया समझ में कि नहीं आया? एवरीवन इज दिस क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? चलें आगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान रख लेना, फॉर अ मोनोपोलिस मार्केट मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ बैठेगा, मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू वाले केस में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ केस बेस्ड क्वेश्चन एंड देर आर गुड चांसेस ऑफ गेटिंग अ केस बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ईजी से है, राकेश एंड कार्तिक आर फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, बोथ आर सिलेक्टेड इन द कैंपस। यहाँ पे दे रखा है डिमांड कर्व दे रखा है, सप्लाई कर्व दे रखा है, ठीक है। नाउ एट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। नेक्स्ट फाइंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, डी इक्वल टू एस करके देख लो, डी इक्वल टू एस करोगे तो डी बराबर एस कितना दे रखा है हमको, डी 20/Q+1 बराबर एस, क्वांटिटी सप्लाइड इज Q+2, सो Q+1 × Q+2 इज इक्वल टू 20। रीअरेंज करोगे इधर से आपकी क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है 3, चेक करो, सो क्वांटिटी एट इक्विलिब्रियम इज 3, क्या पूछा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। फाइंड इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे निकाली, डी के अंदर पुट कर दिया क्यू डिमांडेड क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। सो प्राइस इज इक्वल टू डिमांडेड क्वांटिटी क्यू इक्वल टू 3, सही है क्या? नेक्स्ट कंज्यूमर प्रॉफिट इन रुपीस और आपको लॉग 2 की वैल्यू दे रखी है, कंज्यूमर प्रॉफिट निकालना है, कंज्यूमर प्रॉफिट क्या होगा, वही कंज्यूमर सरप्लस निकालना है बेसिकली, और इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऊपर निकाल ली है, सो कंज्यूमर सरप्लस विल बी 0 to 3 क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड में आपका कर्व, सो 0 to 3 20/Q+1 DQ माइनस 5 × 3, सही है। सो ये हो जाएगा log 20 टाइम्स log Q+1 फ्रॉम 0 to 3 माइनस 15, ये हो जाएगा 20 टाइम्स
लॉग फोर माइनस लॉग वन तो जीरो ही हो गया, छोड़ो हटा दो, हटा दो ये माइनस 15, तो ये टू लॉग टू लिख लो, 20 टाइम्स टू लॉग टू माइनस 15, तो ये हो जाएगा टू इंटू 0.3010, सो 20 इंटू 40 इंटू 0.3010 कर लो, माइनस 15, आंसर आ रहा है 12.73। ठीक है क्या? सो ऑप्शन आपके पास था यहाँ पे सी ऑप्शन, एंड द लास्ट प्रोड्यूसर प्रॉफिट, सो प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है यहाँ पे, और सप्लाई कर्व यूज होएगा, सप्लाई कर्व यूज होएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस फिफ्थ पार्ट, सो प्रोड्यूसर सरप्लस विल बी यहाँ पे 5 × 3 पहले होता है माइनस 0 to 3 क्वांटिटी सप्लाइड में है क्योंकि क्यू प्लस 2 dQ, इंटीग्रेट कर लो, 5 मैंने लिखा नहीं क्या यहाँ पे, 3 15 माइनस यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 क्यू फ्रॉम 0 to 3, पुट द वैल्यूज, 15 माइनस क्यू स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9/2 प्लस 3 × 2 = 6, सही लिखियो, माइनस 0 होगा एनीवेज, सो 15 माइनस 9/2 माइनस 6, 15 माइनस 6 9, 9 माइनस 9/2 अल्टीमेटली यू गेट 9/2 4.5। Got this? This is how we'll get questions in case of your integrals and integral calculus. Pura definite, indefinite and application of integrals we are done with. Homework note kar lijiye aaj, questions thode practice kijiyega. Please note down the homework questions. I hope aap logo ko samajh aaya. Pura revise ho gaya ek baar ka. Formulas, concepts. एक बार जिस्ट तो हो गया है आपके पास सारे कॉन्सेप्ट्स का, आई होप आपका एक बार मेमोराइज हो गया होगा सारी चीजें, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट ट्राई करेंगे बस, फर्स्ट एक्सरसाइज 3 का सेकंड पार्ट फटाफट मार्क करो, सेकंड एक्सरसाइज 8th और 10th, 3rd का फर्स्ट, 7th का सेकेंड एंड 9th का फर्स्ट, मार्क किया, 3rd का फर्स्ट, 7th का सेकेंड एंड 9th का फर्स्ट, 7.4, 6th का सेकेंड एंड 9th का सेकेंड, 6th सेकेंड एंड 9th सेकेंड, 7.5, 5th का सेकेंड एंड 6th का सेकेंड, 5th का सेकेंड एंड 6th का सेकेंड, 7.6, 7th का सेकेंड पार्ट करेंगे, 10th का सेकेंड पार्ट करेंगे एंड 14th का सेकेंड पार्ट करेंगे, 7.8, 4th का सेकेंड पार्ट एंड 6th का सेकेंड पार्ट, 4th का सेकेंड एंड 6th का सेकेंड, 7.8, 7.7 आपके सिलेबस में नहीं है, सम स्पेशल इंटीग्रल्स, दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, 7th का 8, 4th का सेकेंड एंड 6th का सेकेंड, 7.9, 4th एंड 6th का सेकेंड पार्ट, 7.9, 4th एंड 6th का सेकेंड पार्ट, 7.10, 5th का फर्स्ट पार्ट, 7th का सेकेंड पार्ट एंड 9th क्वेश्चन, 5th का फर्स्ट 7.10, 5th का फर्स्ट, 7th का सेकेंड एंड 9th क्वेश्चन, 7.11, 4th का सेकेंड पार्ट, 6th का फर्स्ट पार्ट, 1st, यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.12, सेकेंड का फर्स्ट करेंगे, 7th का थर्ड करेंगे एंड 10th का सेकेंड करेंगे, सेकेंड का फर्स्ट पार्ट पेज नंबर 385, 7th का थर्ड पार्ट एंड 10th का सेकेंड पार्ट, 7th, 3rd, 10th, 2nd, एक्सरसाइज 7.13, 6th और 9th, 7.14, 5th और 10th, दैट्स इट, दैट्स योर होमवर्क फॉर टुडे।
अच्छा, वन मोर थिंग आई जस्ट वांटेड टू कन्वे, कल हम लोग क्लास नहीं रखेंगे, ऐसा करेंगे कल का आपके लिए ब्रेक है, सो दैट आप पूरा इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट कर लेना, उससे रिलेटेड डाउट्स भी आप परसों की क्लास में ले आना, एंड वी आर लेफ्ट ओनली विद स्मॉल टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इन्फरेंशियल स्टैट्स, सो दैट वील कवर इन डे आफ्टर टुमारोज क्लास, सो ब्रिंग योर डाउट्स एज वेल एंड अलॉन्ग विद दिस प्लीज कंप्लीट योर कैलकुलस सेक्शन. डिफरेंशियल बचेगा, एक दिन का गैप इसीलिए दे रही हूँ कि आप अपना कैलकुलस सेक्शन कंप्लीट कर लेना. That's all for today. See you all in the next lecture. See you all. Bye-bye.